सुदर्शन चक्र की जय। जयंतिलाभ्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्त वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जयंतिलाभ्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्त वेदांत श्री ल पावन गोस्वामी महाराज की जय। जयंतिलाभ्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जयंतिलाभ्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्तदेव तुलसीदेव की जय। गंगा यमुना सरस्वती जी की जय। चरिधाम चरि संप्रदाय चरि आचार्य की जय। जय श्री गरुड़देव की जय। भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज की जय। अरे यहाँ पर जो पहले वो था वो कहाँ गया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सब परिकर गौर हरि की जय। आनंद कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। ऐसे अनुपम फुलमा लाइ पते कैसे पढ़िया सुनने वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांस श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथ नितम तंग सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने। नमयम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमयम विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमयम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। त्रिवार्षभान विदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल ब्रह्माढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी। नमो गौरकिशोराय साक्षादारग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधये पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमराय ते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टाशजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
छू के दिया, स्पर्श करके दिया, अंदर उसको उधर प्रसाद। गुरुदेव दया करके मुझको मुझको अपना लेना, ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, आ गुरुदेव दया करके मुझको प्यारे हो,
सिद्धांत कते बताऊ गुरु चरण का दास Rama, Rama.
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिकापदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं
भजामहे भागवतम स्वरूपम जम प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा उन्होंने करवाई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण क्यों इंद्र पूजा बंद कराए और उन्होंने श्री गिरिराज की पूजा क्यों किया, तो इसको पीछे उन्होंने चार कारण बताते। कितना आज मैं बोलूँगा कल आपसे सुनूंगा, ठीक है। पहला कारण है इंद्र कौन है, बोले ये स्वर्ग का देवता, सारे देवताओं का राजा है। इसलिए कृष्ण ने क्या बोले, बोले पिताजी ये इंद्र पूजा करने का जरूरत नहीं, ये इंद्र की कृपा से बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है गिरिराज के आशीर्वाद से। क्योंकि हम सबके सब गिरिराज का आश्रय लिए हुए फल फूल झरना जितने सब कुछ यही गिरिराज गोवर्धन से ही मिलता है। इसलिए हमारी जो प्रत्यक्ष देवता ये इंद्र नहीं, ये गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए इनका एक नाम सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब इनसे जो कुछ मांगो। इसलिए गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं। बोले क्यों, बोले इतना कष्ट क्यों कर रहा है। इसलिए वो जो मांगता है परिक्रमा करते करते गिरिराज गोवर्धन उसको सो दे देते हैं। जिनके बेटा बेटी की शादी नहीं होती है कभी गिरिराज में दूध चढ़ाते हैं, दूध की धार लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, पेड़ को पेड़ पर बांध देते हैं, पेड़ में हैं लेकर के धागा बांध कर आ जाते हैं। जो मांगते हैं गिरिराज उनको सो दे देते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते थे ये सांसारिक वस्तु तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन जब उनको पास में भगवान की भक्ति मांगो ना फिर गिरिराज सोचने लग जाते हैं इसको दूँ कि नहीं दूँ। गुरु जी कहते तो वो भी दे देते हैं, जब देखते हैं हृदय से मेरी सेवा भक्ति मांगता है वो भी गिरिराज गोवर्धन दे देते हैं। इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा बंद कराया। इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, जब देवताओं का राजा को बंद करवा दिया हैं क्यों, बोले कारण है शिक्षा देते हैं अगर झोली फैलाना हो मांगना हो किससे मांगो, गिरिराज से। कहती है गिरिराज कौन है, ये स्वयं कृष्ण, ये कृष्ण स्वयं है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए, भक्ति बहुनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसलिए मनमना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। यहाँ पर मांग 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 चार बार उन्होंने मांग बोली, बोले मुझे सेवा करो, मुझे भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, हैं इसलिए मुझे ही उपासना सब मुझे करो,
सब कुछ देने वाला मैं हूँ। जगत का वस्तु तो देते हैं और भगवान की प्रेम तो भक्ति देते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं। ये पहला कारण है, भक्ति हमारी एकनिष्ठ होनी चाहिए, केवल गिरिराज की और कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, इंद्र को मन में अभिमान आया। क्या अभिमान, कहते स्वर्ग का राजा मैं हूँ और ये जितने ब्रजवासी सब मेरे प्रजा हैं, मैं बारिश बरसाता हूँ, घास उगता है, गैया घास खाते हैं तभी दूध देते हैं, अगर मैं बारिश नहीं बरस सकता मर जाएंगे हैं, इसलिए सबके सब मेरे अधीन हैं। कृष्ण ने सोचा भैया तुम स्वर्ग का राजा हो गई, तुम्हारी प्रजा हो गई, कहते ये सबको पता है नंद बाबा कौन है, कहते मेरे को जो बोलते हैं लाला मेरी जूती ले आ। कृष्ण क्या करते हैं, ठुमुक 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 करके चलते हैं, जूती का सर पर रख करके नाचते नाचते आते हैं। नंद बाबा कितने खुश होते हैं, बोले लाला मेरे बहुत अच्छा, हाँ मैंने बोला जूती लाओ, हाथ में नहीं सर में लेकर के आया, जब बड़ा होगा ना लाला पिता माता की बड़ी सेवा करेगा, पिता माता का यही आस रहता है ना बेटा मेरा सेवा करे। इसलिए नंद बाबा कृष्ण सोच रहे हैं जिनकी जूती मैं स्वयं धारण करता हूँ, मखन चोरी करने पर मैया कान मल देती हैं, उठाती हैं बैठाती हैं, ब्रज गोपियों के चरण में गिरता हूँ, सखाओं को झूठन खाता हूँ, हैं और ये क्या सोच रहे हैं, ये मेरे ये सब प्रजा और मैं राजा। अभी तुम्हारा जो अभिमान आ गया ना, अभी अभिमान को मैं अभी उतारता हूँ, इसलिए अभिमान को दूर करना चाहिए। और जो तीसरा कारण था, कृष्ण चाह रहे थे ये जो ब्रजवासी ये कौन है, मेरे कायव्य हो मेरे प्रकाश है, हैं गोपियाँ कौन है, राधा जी की एक एक भाव ही गोपी है, सखाए कौन है, ये बलदेव प्रभु से प्रकाशित हुई, कृष्ण से प्रकाशित हुए हैं, हैं कहते मेरी इच्छा है इनको साथ में मैं सात सात दिन तक मैं एकत्र होकर के मैं लीला करूँ इनको साथ में। और कभी कभी राधा रानी गोपियों से कृष्ण को मिलना कभी बड़ा कठिन होता था, कृष्ण बोले ऐसे क्या करे जो कि इनको साथ में सात सात दिन तक इच्छा नहीं रहने पर भी मेरे साथ में मिलन हो। इसलिए बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन धारण करूंगा क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, बाहर तो बारिश हो रहा है, सबके सब मेरे सामने खड़ा रहना पड़ेगा और उनको साथ में मेरी साक्षात दर्शन होगी, हैं। इसलिए जब ब्रज गोपियाँ सखाएं राधा रानी जब सामने आई ना, कृष्ण तो गिरिराज को इसे उठा कर रखे थे, हे राधा रानी को देख करके, क्योंकि राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी, उसको देख करके तो कृष्ण हिलने लग गए, हैं क्यों, बोले बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम, राधा जब एक कृपा कटाक्ष श्री श्याम सुंदर को ऊपर करते हैं, श्याम सुंदर का बंसुरी गिर जाती है, उनकी मर मुकुट गिर जाती है, कृष्ण तो राधा रानी को देख करके हिलने लग गए। गिरिराज कृष्ण सखाओं बोले कन्हैया क्या कर रहे हो, किधर देख रहे हो, इधर देख, गिरिराज ऊपर है ना नीचे गिर जाएगा, हाँ तुम कर रहे हो, कृष्ण खुद को खुद संभालते हैं। इसलिए कृष्ण की ये इच्छा पूरी हो गई, ब्रजवासियों को साथ में सात सात दिन तक मिलन हुआ और उनने उत्सव मनाए। और सर्वश्रेष्ठ जो कारण बताए, कारण क्या है, कृष्ण रास करेंगे, कृष्ण सोच रहे हैं बोले रास के हीरोइन कौन, बोले गोपियाँ हैं, मैं हीरो हूँ, अभी अकेले तो रास हो ही नहीं सकता है, रास कब होगा, जब बहुत हो हैं तभी रास कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण दिया है, जैसे एक हीरो किसी हीरोइन को आकर्षण करने के लिए क्या करता है, वो हीरोइन को सामने कुछ बहादुर दिखाता है, कुछ लोगों को इकट्ठे कर देगा, इकट्ठे करके हीरोइन को सामने एक खूब मारपीट करेगा, हैं नहीं तो गुंडों को लगा देगा, इसको पीछे लग जाओ, जब पीछे लग जाएंगे बस अगर वो आकर के इसको पास में आ गया एक खूब मारपीट करेगा, है मारपीट करके सबको सब भगा देगा। वो हीरोइन देखेगा वाह वाह रे ये तो बड़ा पहलवान है, कहते वो अपने आप उसको प्रति आसक्त हो जाता है, कहते यहाँ पर हीरोइन कौन है, बोले ब्रज की गोपियाँ राधा रानी। कृष्ण सोच रहे हैं इनका आकर्षण कैसे करें, इसलिए उन्होंने दो लीला किया है। पहला लीला उन्होंने क्या किया, पहला लीला उन्होंने किया कालिय के सर के ऊपर नृत्य किया, हैं जब कृष्ण कालियों के सर के ऊपर नृत्य कर रहे थे उनकी सब फणा
एक साथ में कृष्ण को काटने के लिए एक साथ में जब काटना चाहते हैं कृष्ण एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इतने जल्दी वो अपना चरण को चला रहे थे। वहाँ पर स्वर्ग से देवता लोग उतर करके आ गए अपना वाद्य यंत्र को साथ में हैं और वाद्य बजा रहे हैं, और कृष्ण एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कृष्ण नृत्य कर रहे थे हैं। जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे सारे देवता लोग बजा रहे थे और सूरदास जी एक सुंदर भजन गाते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 फन पऊ पर पम पम पद पद गत पम 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 फन बिंग 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 बिनत करत बिंग 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 बिनत नाग बाजुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, गन 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 का गन 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 गंधर्व गण, सन 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 का गन 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 नाम 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 नारद मुनि, नाम 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 नारद मुनि सब वेद ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी बम बम बलिहारी, नंदन भगवान की। इसलिए सारे देवता लोग बाजा बजा रहे थे, सब नाच रहे थे, गा रहे थे। इस समय में कृष्ण की हैं, कृष्ण बोले देखो बड़े बड़े कलाकार मुंह भर जाएगी ना सबसे बोतल पानी नहीं है। इसलिए कृष्ण बोले देखो तुम लोगों ने बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, क्या कलाकार देखे होंगे, रस्सी के ऊपर नाचते हुए किसको देखे होंगे, कोई गिलासिया के ऊपर नृत्य करता है, कोई तलवार के ऊपर में हैं, कोई रस्सी के ऊपर में लठिया लेकर के नृत्य करता है, कोई सर पर कलसी रख कर नृत्य करते हैं, देखे होंगे। लेकिन कभी देखा सांप के सर के ऊपर कोई नाचते हुए ऐसे व्यक्ति को कभी देखे हो हैं? इसलिए कृष्ण ऐसे बहादुर दिखाए ना, है गोपियाँ देख करके बोले बाबा रे बड़े बड़े कलाकार हमने देखे लेकिन इस सांप के सर को पर नाचने वाले किसको नहीं देखे। ये एक दिखाया, दूसरा क्या दिखाया, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया। कितने दिन कृष्ण को उम्र कितने, 7 साल 2 महीना करके हैं, 7 साल। कितना बड़ा गिरिराज गोवर्धन, 7 क्रोश 21 मील हैं। फिर कितना दिन तक धारण किया, 7 दिन। अगर हमें बोलना पाँच मिनट हाथ को इसे ऊपर रखो हैं, 1-2 मिनट रखने बाद हाथ क्या होता है, हाथ में दर्द हो जाता है। लेकिन कृष्ण इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक उन्होंने कनिष्ठ अंगुल को पर हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे हमारे लिए ये कौन सा बड़ी भारी बात, हम तो इसको उल्टा हाथ में कर सकते हैं, सीधा हाथ की बात छोड़ दो। बोले उल्टा हाथ की बात छोड़ दो, सबसे कनिष्ठ अंगुल में कर सकते काम। बोले कनिष्ठ अंगुल को बात छोड़ दो, नख को ऊपर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। अरे बाबा, इसको देख करके ना राधा रानी ब्रज गोपी बोले बाबा रे ये बड़ा बहादुरी है, इतना बड़ा बहादुरी गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। जितने ब्रज की गोपियां थी ना, अपना मन प्राण चित्त सब के सब कृष्ण को दे दिया। बस कृष्ण का प्लेटफॉर्म बन गया, क्या बन गया, रास। भगवान सर्वश्रेष्ठ लीला उनकी रास लीला है। इसलिए उन्होंने इंद्र के ऊपर तो नाराज तो हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक काम भी किया है, भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ जो रास लीला है उसका उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया। इसलिए जब कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, इंद्र साल से हैं 1 साल से इंतजार करता था। बोले क्यों, बोले एक दिन ऐसे आएगा कि जितने ब्रजवासी ना, कितनी सब 65 गांव के लोग बड़े सुंदर मालपुआ लड्डू कचौड़ी इमरती रसमलाई हैं
बढ़िया बढ़िया पोड़ो पीठा, बड़े सुंदर सुंदर साल में एक दिन खाना मिलता है, वो इंतजार करता है। लेकिन जब एक साल आया, देखा कोई इनको पूजा करने नहीं आए, कोई पूजा नहीं कर रहे। इंद्र ने बोले, क्या हो गया, ब्रजवासी तो इस दिन मेरी तो बड़ी सुंदर सुंदर भोग लगाते थे, एक साल तो मैं बैठा हुआ हूँ खाने के लिए। तब उन्होंने देखा, जब पूजा कोई कर नहीं रहे, बोले जा करके देखो तो ये ब्रजवासी कर रहे हैं क्या। एक दूत आ करके देखा, कोई इंद्र के लिए जितना सुंदर सुंदर सब बनाया था ना, बढ़िया सुंदर, हाँ पकवान हैं, और उससे भी और ज़्यादा सुंदर बढ़िया बनाया था। लेकिन वो सबके सब गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। उसने जा करके इंद्र को बोल दिया, बोले महाराज इंद्र, तुम्हारा लिए जो बढ़िया बढ़िया खाना बनाया था ना, एक साल से इंतजार कर रहे हो, एक दिन आएगा बढ़िया भोजन मिलेगा। वो सारे बढ़िया भोजन तो कृष्ण ये ब्रजवासियों का दिमाग घुमा करके वो सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। ऐ इंद्र सुन करके इतना क्रोध आया, बोले क्या, ये साधारण एक बालक का बात सुन करके इतना दिन से मेरी पूजा हो रही थी बंद करवा दिया। कृष्ण को तो गाली देने लग गए, बोले अज्ञान स्तब्ध बालक अज्ञानी हैं, उल्टा पुल्टा कृष्ण को गाली देने लग गए। लेकिन इतने में सुधा सरस्वती ने सबके सब उन्हें व्याख्या कर दिया है, स्तुति पर के व्याख्या कर दी। बोले ये ब्रज को मैं रखूंगा नहीं, संवर्तक मेघ अनचास पवन को बुलाया, बोले ऐसे शिला वृष्टि करो, ऐसे बारिश करो ब्रज में, ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। अभी इनका आदेश को पा करके बर्फ के ओले गिरने लग गए, हाथी के सूंड के जैसे मूसलाधारा से बारिश होने लग गया है, ऐ आंधी तूफान, जैसे यहाँ पर आया था ना फनी फनी ना, इसलिए फनी आ गया बुरा बुरा, हाँ ऐसे आंधी तूफान बाबर जैसे प्रलय आ गया। और जितने ब्रजवासी थे सब के सब कृष्ण के पास में गए, बोले कृष्ण तेरे बात सुन करके हमने इंद्र की पूजा बंद कर दिया, देखो ये इंद्र क्या नटखट कर रहा है। बोले चिंता क्यों करते हो, हम लोग ने गिरिराज की पूजा की ना, सारे सामान को लेकर के ये गिरिराज की तलेटी को नीचे चलो। और जब गिरिराज तलेटी को नीचे आए, कृष्ण ने क्या किया, ऐ गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उल्टा हाथ में उखाड़ करके उन्होंने छत्री जैसे गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले गिरिराज गोवर्धन की, बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब इसको नीचे आ जाओ, सबके सब उसको नीचे आ गए। कोई कोई प्रश्न करते हैं, कृष्ण जब रास रचाया ना, कितने गोपी थे, बोले 100 करोड़, 100 कहीं कहीं 300 करोड़ का नाम आता है, इतने गोपियां, फिर ब्रज में कितने लोग होंगे, और ब्रज में कितने लोग हैं, 365 गांव है, 365 गांव के लोग कितने होंगे बताओ, और इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन के नीचे सब आ गए कैसे, पहले इतने सब लोग कैसे आ गए। तब कहते हैं, कहते स्वर्ग में एक सभा है जिसको कहते हैं हैं हैं, जिसका नाम क्या है, सुधर्मा सभा, हाँ सुधर्मा सभा। ये सुधर्मा सभा की जो चमत्कारिता है, कहते अगर 100 लोग आए ना बैठ जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी उसमें खाली रहेगी, कुर्सी पूरी नहीं होगी। अगर 1000 लोग आ जाए सब बैठ जाएंगे, एक कुर्सी खाली रहेगी। 1,00,000 लोग आ जाए बैठ जाएंगे, एक कुर्सी, करोड़ों लोग आ जाए, कितने लोग आ जाए सबके सब बैठ जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी कभी भरेगी नहीं। ऐसे चमत्कारिता स्वर्ग में, और भगवान का धाम गोलोक वृंदावन है, इसलिए गोलोक वृंदावन है, और विशेष करके भगवान की निज धाम है ये गोलोक वृंदावन। इसलिए बोलते चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत सुरभि रवि पालयंतम, इसलिए वृंदावन धाम चिंतामणि हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं वहाँ की एक लता में एक पत्ता में इतने शक्ति कितने वैकुंठ को सृष्टि कर सकते हैं। वृंदावन धाम की अद्भुत चमत्कारिता, असंभव को संभव हो सकता है, हैं? इसलिए और गिरिराज गोवर्धन तो स्वयं कृष्ण ही, सारे ब्रजवास नीचे आ गए, और कृष्ण के जितने सखा लोग थे ना सबके सब डंडे को लाए और टेक लगा दिया,
अरे कन्हैया तो अकेले कब तक गिरिराज को धारण करोगे, थोड़े हाथ तो नीचे कर दे, विश्राम कर ले। बोले सखाओं तुमसे गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्या तू क्या अकेला मैया का दूध पी कर रखे हो, हमने कहीं मैया का दूध नहीं पिए, इसलिए हाथ नीचे कर ले, हम भी दूध पिए हैं मैया की, हम भी धारण कर लेंगे। इतने में कृष्ण जब अपना हाथ को नीचे किया ना, ए गिरिराज नीचे आने लग गई, जितने डंडे लगा कर रखे थे ना सिर्फ डंडे चुरचुर चुरचुर होने लग गए हैं। इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा, तू गिरिराज को उठा ले। और मैया जसोदा क्या कर रही थी, कन्हैया को बारंबार मक्खन खिला रही थी, भूख नहीं लग जाए, मेरे लाला को हाथ को मालिश कर रही थी, हाथ में लाला की दर्द नहीं हो जाए। जब गिरिराज धारण कर लिया ना, सखाओं ने बोले कन्हैया ये बताओ तुमने ये गिरिराज को कैसे उठाया, इतना बड़ा गिरिराज। कृष्ण ने कहा मैंने थोड़ी उठाया। बोले किसने उठाया? बोले तुम लोगों ने उठाया। बोले कैसे? बोले मैं जब गिरिराज को उठाया था ना, तुम लोग मेरे को देख रहे थे ना? बोले हाँ हम तो देख रहे थे। बोले जब देख रहे थे तुम्हारी ताकत मेरे अंदर में आ रहा था। बोले कन्हैया पहले तू घर घर से मक्खन चोरी करता था, अभी हमारे बल को चुराना शुरू कर दिया है, हमारे बल को भी तुम चुराने शुरू कर दिया। कभी कभी सखा लोग कृष्ण को बोले बोले कन्हैया तू अकेले थोड़ी गिरिराज को उठाया, हम भी तो डंडा टिका कर रखे थे हैं, इसलिए थोड़ी तुमने थोड़ी उठाए, हम भी तुमको मदद किए थे तभी तो गिरिराज को उठा पाए हो। इसलिए अभी इंद्र ने जी जान जब लगा दी, 7 दिन तक ओले वृष्टि वज्रपात, और उन्हें क्या क्या उन्होंने नहीं किया। जब 7 दिन हो गया बोले जाओ तो देखो तो क्या हुआ है, ब्रज है ना, ब्रज का सब सत्यानाश हो गया। एक दूत को भेजे, एक दूत ने ऊपर ऊपर से आकर देखा क्या हुआ है। जो ऊपर ऊपर से देखा, देखा है कि चिट्ठी तक भी नहीं। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। तब उन्होंने और एक को भेजा, बोले तू देख करके आया, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया, वो नीचे आया तो देखा कि चिट्ठी भी मरी नहीं, वहां पर तो धूल उड़ रहा था, और जितने ब्रजवासी हैं, जितने ब्रजवासी सबके सब कृष्ण के मुखार बिंदु को दर्शन करते हुए इतने प्रसन्न में, जैसे 7 दिन तक बारिश हुई। यहाँ पर फनी कितना दिन आया था, फनी कितना घंटा आया था, 3-4 घंटे आए थे, 3 घंटे में सभी का अवस्था खराब हो गया था। अगर 7-7 दिन तक बारिश ही हो और बारिश ही बाहर हो रही है और अंदर में खड़े हुए, हमको 1 घंटा खड़े होने के लिए बोलो ना प्यार दर्द हो जाता है 1 घंटा है। फिर इन लोगों ने 7-7 दिन तक बिताया कैसे, 7-7 दिन तक बिताया कैसे? कहते जब कृष्ण के मुखार बिंदु को दर्शन कर रहे थे, उनके मुखार बिंदु दर्शन करते हुए इतने आनंद आ रहा था कृष्ण दर्शन करते हुए। इसलिए गोपियां कहती है ना, त्रुटि जुगायते त्वम मपस्यताम है हे श्याम सुंदर। कहते गोपियां जब कृष्ण को साथ में रासलीला की, ब्रह्मा का 1 रात तक रासलीला की, लेकिन उनको कैसे लगा अभी आए और अभी खत्म हो गया है, क्यों? कृष्ण को साथ में रास कर रहे थे, इसलिए कृष्ण के मुखार बिंद दर्शन करते समय सबको इतने आनंद हो रहा था, वो आनंद में वहाँ उत्सव हो रहा था। इसलिए उसने आकर और एक दूत को भेजा, उसने क्या देखा, ब्रज में होली हो रहा है। कहते आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। सब बड़ा कर दो, होरी रे रसिया भर जोई रे रसिया, होरी रे रसिया भर जोई रे, कोई तारी कोई कोई रे रसिया,
रजनी होरी रे रजिया आज भी रजनी होरी रे आओ होरी रे रजिया ओ होरी रे आज भी रजनी होरी रे रजिया काना के हाँ राधा के हाथ मोरी रे रजिया राधा के हाथ मोरी रे रजिया आज भी रजनी मोरी रे रजिया आज भी रजनी की वहां देखा तो वहां होली हो रही थी। जब उन्होंने वापस गए इंद्र ने कहा ये बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश ना तेरा सत्यानाश हो गया। बोले मतलब क्या जिसको तू बालक समझ रहा था ना वो तो गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल में उठा कर रखा 7 दिन तक और तू सोच रहा था ब्रज में कोई विपत्ति। बोले विपत्ति नहीं वो तो संपत्ति। वहां देखा धूल उड़ रहा है ओरी हो रहा है और उत्सव चल रहा है ब्रजवासी तो उत्सव कर रहे थे। इंद्र देखा भैया ये बालक कौन है तो उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान से देखा ये तो मेरे प्रभु मेरे ये पद को तो ये बलि ने मेरे पद को छीन लिया था। इन्होंने ही बामन अवतार में बलि से उन्होंने ला करके मेरे को दिया था। हे भगवान लगता है मेरा इंद्र बद गया। वो अमरावती में अपना सची को साथ में पत्नी को साथ में उसने विश्राम करने के लिए गया। उसको इतने घबराहट हो रहा था क्योंकि इंद्र पद चले जाएगा इसलिए इतने घबराहट हो रहा था। उसको बेचैन से हो रहा था उसको सो नहीं पा रहा था शायद गया मेरा पद गया। फिर घबराते हुए अपना गुरु जी के पास में गए। बोले गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया। बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले कौन फिर चलो ब्रह्मा जी को पास में। ब्रह्मा जी को पास में जब गए ना ब्रह्मा जी ने बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। ये जो कृष्ण अवतार है ना वो ऐसे एक अवतार है किसी को घमंड को उन्होंने नहीं रखे। कुछ दिन पहले मैं भी ऐसे बुरी तरह से फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे ऐसे जैसे अगर हमें कोई विपत्ति हो ना अगर आपका बराबर जैसे विपत्ति हो फिर हम क्या बोलेंगे भैया आप कैसे विपत्ति से मुक्ति कैसे मिला और विपत्ति से तुम्हें कैसे मुक्ति मिला। तो इंद्र ने पूछा आप भी कैसे फंस गए थे। बोले एक दिन कृष्ण उन्होंने सखाओं के साथ में गया चरा रहे थे
गैया चराते समय ये अघासुर ने इतना बड़ा मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था कृष्ण को मारने के लिए, कंस द्वारा प्रेरित होकर के। जब कृष्ण की सखा लोग आगे जा रहे थे, जो छोटे छोटे सखा लोग थे ना, उनने जब देखा देख कर तो डर गए, भागने लग गए। जब भाग रहे थे इतने में जो बड़े बड़े सखाओं बोले भैया कहाँ भाग रहे हो, बोले देखो कितना बड़ा सांप ये मुंह फाड़ कर बैठा हुआ खाने के लिए। बड़े वो सखाओं ने कहा बोले पागल, इतना बड़ा कभी हो सकता है, हैं इतने बड़े कभी जानवर सांप हो सकता है, बोले हो तो, बोले चिंता क्यों करते हो, कुछ दिन पहले कृष्ण बकासुर को मार डालना, ऐसे ही अघासुर को भी मार डालेंगे, चिंता क्यों करते हो, लगता है कोई सुंदर कोई गुफा होगा, चलो हैं, लगता है कोई चित्रकार बड़े बड़े सुंदर गुफा है, चलो उसको अंदर में जाते हैं। लेकिन जब उसका अंदर में प्रवेश किए, सांप का दो जीवा होता है, हैं जब चल रहे था ना, जीवा कितना गुदगुदी होता है, बड़ा कोमल मुलायम लग रहा था। बोले भैया लगता है कि इसने कोई कारपेट बिछा कर रखा, बड़े सुंदर रोड है। बोले हाँ बड़ा सुंदर रोड, बोला अंदर में चलो। एक ने कहा भैया इसमें ये दो रोड क्यों बना हुआ, एक ने कहा पता नहीं, एक तो अंदर में जाने का और एक अंदर से आने का है। इतने वो तो श्वास बंद करके बैठा हुआ था, जो उसने धीरे 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 श्वास को छोड़ा, इतने में बदबू आने लग गया। बोले भाई बदबू क्यों आ रहा है अंदर से, हैं ये बदबू क्यों आ रहे हैं। ऐसे करते करते अंदर में जब जा रहे थे, वो देख रहा था कृष्ण कब आए, कृष्ण सबसे पीछे थे। कृष्ण जब दूर से देखा, बोले तो अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। कृष्ण बोले सखाओ मत जाओ, ये अघासुर है, ये खाने के लिए मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। लेकिन अलर्ट तो चले गए सबके साथ। कृष्ण सोचा मेरे को एक साथ में दो काम करना पड़ेगा, एक में तो इसको मारना और दूसरे में मेरे अपना सखाओं को उद्धार करना। कृष्ण प्लानिंग बनाने लगे, इसको कैसे बचाए सखाओं को और इसको मारे कैसे। और वो देख रहा है, क्या देख रहा है, कब अंदर में बैठे और उधर किया हुआ कंस का जो चर है वो दूर से देख रहे हैं। बोले वाह आज बढ़िया सूझ गए, ऑलरेडी सबके सब चले गए, केवल कृष्ण अंदर में चले जाए ना, बस सारे खेल खत्म। इतने में कृष्ण जब अंदर में गए, इतने में कंस का जो चर थे ना, वो झट जाकर कंस को जाकर बोला, बोले महाराज कंस आपका काम बन गया। बोले क्या, बोले देख करके आए अघासुर का मुंह में सब चले गए। इतने में जो देवता लोग आकाश में देख रहे थे, वो हाहाकार कर रहे थे, हे भगवान प्रभु भी अंदर में चले गए, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। इतने में कृष्ण अंदर में जाकर के अपना विराट रूप प्रकाश किया, इतना विशाल रूप धारण किया, उनको गले में जाकर अटक गया। अगर गला में कोई चीज अटक जाता है ना, बस राम नाम सत्य है, गला ऐसे की चीज अटक गया तो खत्म हो जाता है। इसलिए जब उसको गले में जाकर अटक गए, उसको श्वास बंद हो गया, श्वास नहीं छोड़ पाया, छटपट 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 करने लग गया। इतने में उसकी ब्रह्म तालु फट गया, फट करके दोनों आँख रसगुल्ला जैसे निकल गए, बस वहीं पर उसने प्राण को त्याग दी। लेकिन अंदर में सखालों को जाकर उसका इतना जहरीला था, सबके सब प्राण त्याग कर चुके थे, कृष्ण अमृतमय दृष्टि से उनको उन्होंने प्राण दान दिए। इतने में जब कृष्ण अघासुर को वध किया, देवता लोग तो देख रहे थे, वो तो डर रहे थे प्रभु चले गए होगा क्या होगा क्या। लेकिन जब उसका ब्रह्म तालु फट गई, एक ज्योति निकला हैं। इतने में देवता लोग ने कृष्ण का जयकार दिए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब उन्होंने जयकार दिया, इतने में धीरे 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 ये चर्चा भूर भुव मोह जन और ये सत्य लुप्त को पहुंचा। पितामह इंद्र ने देखा ये क्या है, ये क्या चर्चा कर रही, जय जयकार क्या हो रहा है। इंद्र उतर करके, ब्रह्मा उतर करके आया और उतर करके देखा, इतना भयंकर अघासुर मरा पड़ा हुआ, ब्रह्म तालु फटा हुआ और एक ज्योति निकल करके घूम रहा था। और जब कृष्ण मुंह से बाहर निकले, वो ज्योति आकर के कृष्ण का शरीर में समा गया। ब्रह्मा बोले ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है, ये ब्रह्म ज्योति भी जिनके शरीर में ये ब्रह्म ज्योति भी समा गया, ये कौन है,
वो आश्चर्य हो रहे महाराज महाराज यार आसन महाराज की तरह आसन दे, इसलिए बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले जय दाऊ भैया की, सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की, सबको दर्शन कराते, इसलिए बोले ब्रह्मा जी की, इसलिए ब्रह्मा जी देख करके बड़े आश्चर्य हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा ने सोचा और थोड़ी सी आगे लीला देखो। इतने में कृष्ण अपना सखाओं को साथ में यमुना किनारे में आए, बीच में बैठ गए, सारे सखा लोग बोल करके चारों तरफ में बैठ गए, और कितने सखा, हजार हजार सखाए, लेकिन ये सारे सखाए क्या देख रहे थे, जैसे कृष्ण मेरे तरफ में मुंह करके बैठे हुए, कृष्ण का मुखारविंद में दर्शन कर रहा हूँ, जैसे शालग्राम शिला उनका सर्वत्र आँख है, सर्वत्र हाथ है, सर्वत्र मुंह है भगवान की, हैं शालग्राम का मुंह कहाँ, गिरिराज गोवर्धन का मुंह कहाँ है, उनका पीछा कहाँ है, कहते उनका सब इंद्रिय आगे सब पीछे सब सब भगवान की, इसलिए सब सखा क्या देख रहे थे, कृष्ण मेरे तरफ में मुंह करके बैठा हुआ, और अपना घर से जो लाए थे कलेवा हैं और निकाल निकाल कर कोई मालपुआ खा रहे थे खिला रहे थे, कोई पकौड़ा ला करके खिला रहे थे, इतने में सखा लोगों ने हैं सखा लोगों ने क्या किया हुआ, मधुमंगल ये ब्राह्मण का बेटा है, अभी थोड़ा खाने में लोभ है, एक सखा ने किया बोले बोले मधुमंगल मेरे मैया बड़े सुंदर हैं बड़े सुंदर बैगन का पकड़ा बनाए, उसने क्या किया बैगन के अंदर से जो पकड़ों के अंदर से बैगन को निकाल दिया और उसको अंदर में नीम पत्ता भर दिया, नीम पत्ता भर करके बोले मेरे मैया बड़े सुंदर पकौड़ा भेजा दिया है, मधुमंगल ने कहा तू क्या मेरे को नहीं दोगे, तू अकेला खाओगे, बोले थोड़ी देने का चीज खाने का चीज, इतने में उसने जोर जबरदस्ती पकौड़ा को लिया, लेकिन पकौड़े के अंदर में क्या है नीम की पत्ता है, उसने जो पकौड़ा को खाया ना इतने में मुंह तो एकदम कड़वा कड़वा हो गया, जब कड़वा कड़वा हो गया तो ब्राह्मण का बेटा, इतने में उसने किया कि अपना जन्हेऊ को निकाला है, बोले तेरे तू मेरे को पता है ब्राह्मण का बेटा, तेरे को श्राप दे दूंगा, अभिशाप अभी मेरे को दे दूंगा, इतने में ऐसे करते करते सखा लोग आपस आपस में आनंद ले रहे थे, हैं आनंद ले रहे थे, आनंद लेते 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 इधर क्या हुआ, एक सखा ने बड़े सुंदर छाछ लाए थे, बोले कन्हैया मेरी जो मैया है ना बड़े सुंदर चोखो बड़ा सुंदर छाछ भेजा है, कृष्ण ने कहा तू मेरे को नहीं दोगे अकेला खाओगे, बोले थोड़ी देने का लाएगी पीने का लाएगी, वो जो मटकी था ना उस आपस आपस में खेचादानी कर रहे थे, सखा बोल रहा था नहीं दूंगा, कृष्ण बोल रहा था अरे मेरे को दो, ऐसे करते 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 सखाओं को छाती में ऐसे करते करते ना सखा जब पी रहा था इतने में वो मट्ठा गिर पड़ा छाती में, कृष्ण इतने में जीभ लगाकर चाटने लग गए, बोले वाह बड़े सुंदर छाछ है, ब्रह्मा तो ऊपर से देख रहे थे, बोले हे भगवान ये भगवान है, ये तो सबका झूठन खा रहा है और छाछ को भी चाट चाट कर खा रहे, बोले बड़े सुंदर छाछ है ये भगवान कैसे हो सकता है, इसलिए ब्रह्मा जी का बुद्धि भ्रमित हो गया, थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े को चोरी कर लिया, सखाओं ने बोले बछड़े यहीं थे गए कहां, इतने में सखा लोग जब जा रहे थे कृष्ण बोले तुम बैठो मैं आता हूँ, जब ढूंढने के लिए गए पीछे से उन्होंने सखाओं को भी चोरी कर लिया और एक गुफा में बंद कर दिया, कहाँ पर बंद कर दिया चौहुआ, वो गुफा देखे हो कौन कौन गुफा देखे हो, कोई देखे नहीं गुफा ना, हाँ अभी भी वो गुफा है कहते जहाँ पर ब्रह्मा ने इनको लेकर के छुपाया था है, इसलिए चौहुआ जो जाएंगे जाकर के वहाँ पर जहाँ पर हम जाते हैं ना वहाँ से थोड़ी सी दूर है वो गुफा, इसलिए वहीं पर उन्होंने चुरा लेकर के उन्होंने वहीं पर उनको मोह निद्रा में सुला दिया, इतने में कृष्ण ढूंढ रहे कहाँ सब मेरे बछड़े कहाँ सखा कहाँ पर है, इतने में जोग माया ने पूर्ण कराया, बोले प्रभु ब्रह्मा आपके लीलाओं को समझ नहीं पाया है, लीलाओं को देखने के लिए उन्हें चोर आया है, इतने में कृष्ण ने अपना शरीर से जैसे सखा जैसे बछड़े ठीक उन्होंने वैसे ही सृष्टि किया है, सृष्टि करके
कृष्ण खुद खुद को साथ में कृष्ण लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जब एक काम करके ब्रह्मलोक में पहुंचा ना, वो पहुंचने से पहले स्वयं कृष्ण ब्रह्मा बन गए और उनसे पहले पहुंच गए कहां पर, ब्रह्मलोक में। वहां पर जो दरवान था बोले देखो मेरे जैसे कुछ बहुर भी घूम रहे हैं, अगर कोई मेरे जैसे कोई आए ना उसको घुसने नहीं देना। सचमुच से जब ब्रह्मा गए कृष्ण ब्रह्मा बन करके तो वहां बैठ गए। जब असली ब्रह्मा गए उसका जो दरवान थे सबके सब लठिया लेकर के तो मारने के लिए दौड़े। बोले प्रभु तो सही कह रहे थे, मेरे जैसे कुछ बहुरूपिया है घुसने मत देना। ब्रह्मा जी ने सोचा तो मेरे आसन पर कौन बैठ गया। उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा भगवान स्वयं जा करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। फिर ब्रह्मा गए और आए और गए और आते आते इसी मर्त्य जगत में कितना दिन हो गया, 1 साल हो गया। कृष्ण 1 साल पहले जैसे लीला कर रहे थे कृष्ण अभी भी वैसे लीला कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा देख करके फिर आश्चर्य हो गए। फिर उन्होंने फिर इधर दो मुंह जब एक साथ में देखे कृष्ण अपना विभूति दर्शन कराए। देखो ये लोग कौन है, जितने सखा बछड़े कौन है, सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण, आप ब्रह्मस्तंभ नारायण नारायण। फिर ब्रह्मा जी समझ गए एक नारायण का नाभि कमल से मेरा सृष्टि, क्या तो अनंत नारायण ही समझ गए कृष्ण कौन है, मेरे बाप का मेरा ये बाप है। इसलिए ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म स्तुति में जो पहला जो श्लोक है जो छात्र उसमें उस यहाँ पर एक और वहाँ पर एक अलग अलग जगह पर है। हाँ यहाँ पर बताए बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर राधि गोविंद सर्व कारण कारण वहाँ पर है। लेकिन भागवत में क्या है बोले नव मिड्यते अभ्र बभुसे तड़ितंबराय गुंजावतंस परिपीच लसत मुखाय। इसलिए ब्रह्मा जी जब ये चीज को समझ करके ब्रह्मा जी हंस वाहन ऊपर बैठे हुए थे उन्हें नीचे कूद गए। नीचे कूद करके कृष्ण का चरण में उन्होंने साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया और अपना आंखों का आंसुओं से उन्होंने कृष्ण का चरण को उन्होंने अभिषेक किया। अभिषेक करते हुए उन्होंने खड़े हुए और आंख को मलते मलते और भगवान की ये स्तुति किए है। जब स्तुति किए तब उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत उन्होंने श्लोकों को उच्चारण किया लेकिन देखा कृष्ण खुशी नहीं हो रही। अब कृष्ण का सखा लोग तो कृष्ण को हंसी उड़ा रहे थे, ये चौमुहा कहाँ से आ गया, चार मुंह वाले कहाँ से आ गए, वो तो खिली उड़ा रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा अभी तक तो मैंने कृष्ण को मैंने स्तुति की, अभी उनका भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। बोले अहो भाग्यम नंद गो ब्रज उकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले हे प्रभु ये ब्रजवासियों का हम महिमा क्या बताए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने 2 बार अहो भाग्यम उन्हें 2 बार बोले, मतलब ये ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है, हैं? अहो भाग्यम अहो कृष्ण कौन है, पूर्ण ब्रह्म और सनातन कृष्ण है। लेकिन होते हुए कृष्ण क्या करते हैं, सखाओं का सखा बन गए, मैया का लाला बन गए और गोपियों का उन्होंने प्रियतम बन गए। जब उन्होंने ये स्तुति की ना इतने में कृष्ण थोड़े से मुस्कुरा दिए, मतलब ब्रह्मा समझ गए भगवान का कमजोर कहाँ पर है, कमजोर कहाँ पर है। भगवान शिक्षा देते हैं मेरी सेवा मेरी स्तुति से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे कोई भक्तों का स्तुति करे मेरे भक्तों का सेवा करे तो उसमें ज़्यादा मैं संतुष्ट होता हूँ। और उनको श्लोक में एक श्लोक है ज्ञान है प्रयास है, हाँ बोलो उसका मीनिंग बताओ। हाँ इधर आ जाओ, हाँ तमाल पर हो बोले इधर 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 गड़ा सब बलग कह, हाँ दो अंगुल वाले बताएंगे ना, अनुभव बोलेगा 2 अंगुल वाले अच्छे तरह से बोलना, अब तभी कहेगा ज्ञान है प्रयास। यड़ा सर इसलिए ये ठीक बोले सर,
कही देवे ना श्लोकता हम कही दी हरे कृष्णा। हाँ इसलिए तुम दोनों इधर आ चले हो, इसलिए यहाँ पर इसलिए ब्रह्मा जी इधर सुन लो। अरे ब्रह्मा जी जब उन्होंने ये श्लोक को बोले कृष्ण प्रसन्न हो गए, जब प्रसन्न हो गए इतने में ब्रह्मा कहते बोले हे प्रभु जो कहते हैं मैं भगवान को जानता हूँ उनको जानने दो, मैं पितामह ब्रह्मा कहता हूँ हैं, तुम्हारे तो केवल एक सर है और ब्रह्मा जी को इनका चार सर है। और ब्रह्मा जी कहते हैं क्या ये दुनिया को सृष्टि करने वाले पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं जो कहता है मैं जानता हूँ उनको जानने दो, लेकिन मैं पितामह ब्रह्मा कहता हूँ। पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की महिमा को कोई था नहीं पा सकते। इसलिए ब्रह्मा जी कृष्ण को उन्होंने तीन बार परिक्रमा किया और तीन बार परिक्रमा करके जल्दी जल्दी भाग गए। बोले तीन बार क्यों किया, नियम है विष्णु मंदिर को कितना बार परिक्रमा करनी चाहिए, कितना बार, चार बार, लेकिन ब्रह्मा जी तीन बार किए, चार बार नहीं किए, तीन बार करके भाग गए। बोले कारण क्या, बोले कारण है भगवान खा रहे थे। अब देखना खाते समय नियम है खाने का बीच से नहीं उठनी चाहिए है, नियम नहीं, खाते समय जैसे भगवान का प्रसाद एक आनंद है, चर्ब चुस्य लज्ज पेय है, प्रसाद पाते समय कितना आनंद आता है, अगर बीच में अगर रस भंग हो गया तो खाने में और आनंद नहीं आता है। इसलिए भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने क्या किया भोजन का बीच में उन्होंने ये डिस्टर्ब किया है, भोजन का बीच में उन्होंने डिस्टर्ब किया। बोले यहाँ जब तक मैं रहूंगा तब तक प्रभु का लीला में व्याघात होगा, अभी भी ठाकुर का हाथ में वही दही चावल है, वही टेटी के आचार फल भगवान के हाथ में अभी भी है, भगवान उसको लेकर ही घूम रहे हैं अभी तक भी, एक साल हो गया भगवान घूम रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी बोले जल्दी जल्दी चले जानी चाहिए, जब तक यहाँ रहूंगा तब तक प्रभु का भजन में मैं बाधक बनूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी वहां से चले गए। इसलिए ये बात किसको बोल रहे हैं, हाँ बाबा हाँ, इसलिए उन्होंने कहते पितामह ब्रह्मा इंद्र को बोल रही ये बात है, जब इंद्र बोले मेरे मैंने भी कृष्ण चरण में अपराध कर दिया, ब्रह्मा जी कहते तेरी बात छोड़ दो मेरे को भी बहुत नाक रगड़ना पड़ा, इसलिए मैं भी फंस गया था हैं। इसलिए बोले क्या करे, बोले भगवान का एक नाम गोविंद है हैं, जो गैया को पालन करने वाले उनका नाम गोपाल है हैं, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब वेद, गो मतलब गो वत्स, इसलिए गो मतलब होता है गैया, गोपाल मतलब गैया को जो पालन करने वाले, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर गैया की कोई आश्रय लेकर के जाए। और जो मूल जो गावी है सुरभि गावी उनका ही वंशधर ये गैया है, इसलिए चलो हम सुरभि गावी को आश्रय में जाते हैं। उन्होंने सुरभि गावी को आश्रय में गए, उनको सामने रख करके गो माता है ना कृष्ण गैया को सेवा करते हैं, उनको सामने रख करके जब भगवान को पास में गए भगवान ने बड़े डांट लगाए, बोले इंद्र तुम्हारे मन में अभिमान हो गया था, ये अभिमान को मैंने दूर करना चाहता था। कहते जस्य अम अनुग्रहणामि हरि से तद धनौषधि, मैं जिसको पर कृपा करता हूँ ना उसका सब कुछ मैं अपहरण कर लेता हूँ, सब कुछ अपहरण कर देता हूँ हैं। अगर फिर कोशिश करता है खड़े होने के लिए, कृष्ण कहते अगर मैं सही सही कृपा करना चाहता हूँ बीच में खड़े होकर उसका सारे मनोरथों को मैं नष्ट कर देता हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं उसको कहीं भी टिकने नहीं देता हूँ। देखो जो स्वामी महाराज है ना, नाम सुने ना स्वामी महाराज जी, इन्होंने बहुत कोशिश किया था कैसे खड़े होने के लिए, उन्होंने इलाहाबाद में कपड़ा का दुकान भी उन्होंने खोला था, वो भी सत्यानाश हो गया, उन्होंने दवा की दुकान वो भी सत्यानाश हो गई, लास्ट में हाथ में कूट कूट करके दवा को उन्होंने बनाया करते थे मथुरा में। उन्होंने कोई भी काम करने के लिए चाहे ना किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हुई किसी काम में, लास्ट में फिर उन्होंने आए प्रचार किया, देखो सारा दुनिया में हैं, सारा दुनिया में जिनकी जय जयकार हो रहा है सारा दुनिया में। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे अम अनुग्रहणामि हरि से, मैं जिसको ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ तद धनौ सनई, उसको कहीं भी रहने का नहीं देता हूँ, सब कुछ मैं अपहरण कर लेता हूँ, जब अपहरण कर लेता हूँ
कि दुनिया कब तक पूछेंगे, बोले जब तक पैसा हो, पैसा नहीं होना कोई पूछने वाले नहीं, फिर दुनिया क्या करते उसको ठुकरा देता है, ठुकरा दे देता है और ठाकुर जी के शरण में आते हैं, हैं फिर मेरे को निश्चिंत होकर भजन करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं इंद्र तेरे ऊपर कृपा करना चाहते थे, तेरे अभिमान को दूर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये लीला की, खबरदार कभी अभिमान नहीं करना। इंद्र ने माफी मांगी और उन्होंने भगवान का एक नया नाम रखा, उन्होंने गोविंद नाम रखा, बोले गोविंद भगवान की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, पिताई गौर प्रेमानंद। माइक लगा दो बेटी, आसा आसा आसा, कोई जड़ के आसा, हाँ दोनों दोनों को धक्का मार। मेरो गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा, मेरो गिरधर गोपाल कब देर लगाई आज
आंख तनाई चरण के दासी मेरा के प्रभु
गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। आ जा तपन, आ जा, आ जा। ये श्यामानंद तुम कह पे सिद्धि दी अंगुल कहीं कम पड़ी था छेड़ा जान न कौन जान से हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन तभी जान चो हरे हरे हरे। हाँ इसलिए कहते पितामह ब्रह्मा जी जब चल, हाँ यहाँ पर इंद्र को भगवान ने कृपा की है, एक तरफ से शासन किया, दूसरे तरफ में इंद्र को उन्होंने कृपा किया। बोले इंद्र को कृपा कैसे उन्होंने किया है, हैं? बोले इंद्र अगर बारिश नहीं बरसाता तो क्या होता, पर भगवान की गिरिराज गोवर्धन धारण नहीं करते, गिरिराज गोवर्धन धारण नहीं करते तो जो रासलीला भगवान की सर्वश्रेष्ठ लीला ये संभव नहीं होता। हाँ इसलिए कद भगवान अपि तारात्री सरद उत्पुरल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्री जोग मायांग मुपाश्रिता। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी अभी रासलीला को वर्णना करने जा रहे हैं। जब वर्णना करने जा रहे थे जब जब उन्होंने कहीं रसी की है कोई रस प्रसंग को बोलते थे तब उसमें सावधान कर देते थे। बोले सावधान किया, कहते जो रास जो रचैया ये कोई जीव नहीं, ये कौन है, कहते ये स्वयं भगवान, ये कृष्ण है, हैं रास करने वाले, ये कृष्ण स्वयं। इसलिए कहते भगवान, इसलिए कभी कभी भगवान को कोई कोई खिली उड़ाते, अरे क्या सब पराया गोपियों को लेकर के स्त्रियों को लेकर के कृष्ण ये क्या सब नाचने चाहिए, हैं कभी कृष्ण को ऊपर में कटाक्ष करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी सावधान कर देते हैं, बोले जो ये रास रचैया ये कौन है, कहती ये भगवान, ये कौन है, ये भगवान है, कहती ये जीव नहीं, ये भगवान स्वयं है। इसलिए कहते भगवान कहते हैं किसको, बोले समग्र सस ऐश्वर्य वीर्य स जस श्रिय ज्ञान वैराग्य सर्वांग भव इतिंगना। इसलिए जिनको अंदर में ये छह गुण परिपूर्ण रूप में हो उनको भगवान कहते हैं, हैं? इसलिए इसलिए कहते श्री कभी कभी कोई कोई सोचते हैं अरे ये भगवान की जो रास लीला है ना कृष्ण ये गोपियों के प्रति आसक्ति हो गए, ये काम युक्त लीला है। इसलिए कहते भागवत का जो सर्वप्रथम टीकाकार श्रीधर स्वामी हुए कहते ये जो रास लीला है ये कौन सा लीला है, भगवान का ये काम विजय लीला है। इन्होंने काम को ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया तो उन्होंने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाए। बोले एक समय श्री कामदेव उनका मन में बड़ा अभिमान हो गया। बोले क्या अभिमान हो गया, कहते सब दुनिया को मैंने नचा दिया है। बोले किसको किसको नचाया, बोले ब्रह्मा जी। बोले काम का इतने प्रताप है, हैं बोले ब्रह्मा जी को भी मैंने नचा दिया। बोले कैसे नचा दिया ब्रह्मा जी को, कहते ब्रह्मा जी एक समय अपना एक बेटी को उन्होंने सृष्टि की, कहते उनका जो बेटी इतने देखने में सुंदर थी ब्रह्मा अपना बेटी को देख कर काम में मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी अपना बेटी को पीछे भागे थे। इतने में उनका जो बेटी ने देख करके ये चीज को उन्होंने हिरणी बन गई, ब्रह्मा हिरण बन गए और उन्होंने अपना बेटी को पीछे उन्होंने भागे, हैं? इसलिए कामदेव सोच रहे हैं ब्रह्मा जी को भी मैंने छका छुड़ाया, हैं इनको भी मैंने छका छुड़ाया। इसलिए कहीं कहीं हमारे टीकाकार विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं हमारे मूल कौन है, पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से पर चतुसन आए और दक्ष प्रजापति आदि आए, फिर जगत का इस जगत का सृष्टि हुआ, फिर मनु महाराज आए, फिर जगत का धीरे धीरे सृष्टि हुआ। यहाँ पर कहते हैं ये काम ऐसे ये काम की तेज है, पितामह ब्रह्मा जहाँ पर स्वयं हमारे मूल पिताजी वो स्वयं काम में स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। कहते ये काम से कौन बच सकता है, कल केवल एक व्यक्ति बच सकता है, कृष्ण कहते हैं दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। माया से केवल वही बच सकते हैं जिसको भगवान की कृपा जिसको ऊपर हो,
उनके सिवाय जगत से कोई माया से नहीं बच सकते हैं। कहते मैंने शंकर जी को भी देख लिया, शंकर तो हैं, शंकर स्वयं जब भगवान समुद्र मंथन का समय पर मोहिनी रूप धारण किया था उस समय सारे देवता लोग थे, लेकिन केवल शंकर जी नहीं थे। लेकिन शंकर जी को बाद में पता चला भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और इतने सुंदर रूप था ठाकुर जी का, कभी इतना स्त्री जगत में ऐसे स्त्री मूर्ति होता ही नहीं कभी, सब देवता तो सुने सुना शंकर जी नहीं थे। एक दिन शंकर जी ठाकुर जी के पास में आए, बोले ठाकुर जी वो लीला थोड़ा दिखाओगे। बोले कौन सा लीला? बोले वही मतलब बताओ कौन सा लीला। बोले प्रभु मैंने सुना था आप समुद्र मंथन में मोहिनी रूप धारण किया था। बोले हाँ। बोले थोड़ा दिखाओगे? बोले शंकर जी ये कामियों को मुग्ध करने के लिए मैंने रूप धारण किया था है, इसलिए ये रूप देख करके तुम खुद को स्थिर नहीं रख पाओगे। बोले प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं जोगी महाजोगी है, देव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए प्रभु जी थोड़ी सी दिखा देना। बोले ठीक है, समय आने पर दिखा दूंगा। एक दिन शंकर जी अपना त्रिशूल गाड़ दिए और पार्वती को गोद में बैठी हुई पार्वती बहुत सुंदरी पार्वती मृगनयनी बहुत प्यारी है पार्वती, और बैठे हुए इतने में भगवान एक कुंज के आड़ से भगवान महीन रूप प्रकट हुए और गेंद को उछालते हुए शंकर देख करके मानो दिन में कोई चंद्रमा प्रकट हो गया। बोले इतने सुंदर मोहिनी रूप था और मोहिनी ने थोड़ी सी भगवान को ऐसे इशारा किया, पार्वती कितने सुंदर, उन्होंने गोद से उनको फेंक दिए और मोहिनी को पीछे भागे और उनको पूरा भटका लिए, पूरा अभी पकड़ लिए अभी नहीं थोड़ी दूर में, ऐसे करते करते शंकर तो विवस्त्र हो गए हैं। इतने में थोड़ी देरी बाद में शंकर जी देखते बोले हे भगवान मैं विवस्त्र होकर के घूम रहा हूँ जंगल में। इतने में शंकर जी बड़ा लज्जित हो गए, उन्होंने सोचा से आज किसने देखा नहीं, फिर शंकर जी आकर चुपचाप बैठ गए। इतने में ठाकुर जी प्रकट बोले क्यों बोले क्या बात है? शंकर जी बोले प्रभु मैं दुनिया को ये बोल सकता हूँ ये माया को जितना बड़ा कठिन है, मैं स्वयं देव जुगी जुगी होकर के भी माया को मैंने जीत नहीं पाया, और हाँ मैंने माया से आकृष्ट हुआ है, लेकिन ये जो माया आपकी बहिरंगा माया नहीं आपका स्वरूपभूता माया है हैं, इसलिए ये बात मैं दुनिया को बोल सकता हूँ। कहते श्री विश्वामित्र जी वो तपस्या कर रहे थे पहाड़ के ऊपर में, वहाँ पर मेनका प्रकट हो गई ना, उनकी चरण की नुपुर की झंकार से उनका सारे भजन खत्म, उनको पहाड़ छुड़ा करके उनको घर गृहस्थ बना दी हैं। बोले इंद्र वो स्वयं अहल्या के ऊपर में इंद्र स्वयं आसक्त अहल्या के ऊपर हो गए थे। कहते मैंने सारा दुनिया को मैंने अपना मजा चखा दिया लेकिन केवल एक जगन्नाथ बाकी रह गए, अगर इनको अगर मैं परास्त कर दूँ ना फिर दुनिया का मालिक बन जाऊँगा। एक दिन कामदेव वैकुंठ में गए और भगवान से बोले प्रभु दुनिया को मैंने दिखा दिया केवल आप ही बाकी रह गए, अगर मैंने परास्त कर दूँ ना फिर दुनिया का मालिक तो मैं बन जाऊँगा, आ जाओ मेरे हाथ में दो हाथ कर लो। भगवान ने बोले कोई चिंता नहीं, द्वापर युग में जब मैं कृष्णा अवतार में जाऊँगा और 7 करोड़ गोपियों के साथ में रास करूँ ना तभी तुम आना। कामदेव तो हंसते हंसते चले गए, बोले क्या बोल रहे हैं, जब रास करेंगे और 7 करोड़ गोपियों के साथ में और जहाँ पर श्रीमती राधा रानी कहती है कितने सुंदर ही है, उदाहरण देते हैं कि जगत में जितने स्त्रियों का सुंदरता अगर मिला हो ना एक स्वर्ग में रंभा और बस मैंने कहा साथ में होगा, इतने सुंदर वहाँ की जितने स्वर्ग के स्त्रियाँ सुंदरी उनकी एकत्रता करो तो एक लक्ष्मी को साथ में, ऐसे जितने लक्ष्मी हैं उनकी सुंदरता को एकत्रित कर दो तो गोपी को साथ में, और जितने ब्रज गोपियों की सुंदरता को एकत्रित कर दो बोले राधा रानी के चरण की नख की छटा में ये सारी सुंदरता समझ आएगी, इतने सुंदर हैं। इसलिए कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे ब्रज गोपियों के साथ में हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण उन्होंने बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंत मनश्चक्रे जोग मायांग उपाश्रिता, उन्होंने किसकी आश्रय लेकर के रासलीला किया, बोले जोग माया। कहते यहाँ पर मूल जोग माया कौन, बोले श्री राधा रानी हैं, इसलिए रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी का अगर रास होता ही नहीं
इसलिए वृंदावन में जो रासलीला होता है ना, राधा रानी सिंहासन में बैठती है, श्याम सुंदर आकर के राधा रानी से प्रार्थना करते बोले हे राधे रास का समय हो गया है, हे रासेश्वरी आप कृपा करके ये रासों में पधारो, क्योंकि रासेश्वरी तो तुम हो, हैं तुम ही तो रासेश्वरी है। इसलिए जब रासलीला करते करते जिस समय राधा रानी रास से अंतर ध्यान हो गई, कृष्ण भी थे, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, ये सबके सब थे, लेकिन रहने पर भी वो रास नहीं हो गया, रास वहाँ खत्म हो गया। बोले क्यों? बोले रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी ने हैं, इसलिए उन्होंने जो योग माया उपासिता मतलब कहते मूल जो राधा रानी को आश्रय करते हुए रासलीला हुई। इसलिए बोले भगवान अपि तारात्री, बोले तारात्री मतलब क्या है? बोले ता यहाँ पर कहती है बहुवचन है, बोले ता मतलब जब कृष्णा जब ब्रज गोपियों ने जब उन्होंने कात्यायनी व्रत की एक महीना तक, और एक महीना तक कठोर तपस्या करते हुए सब हविषान खा करके जब उन्होंने कात्यायनी महामाए महायोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुत नमः, इस मंत्र से एक महीना तक उन लोगों ने श्री कात्यायनी की पूजा की। कल कात्यायनी कौन है? बोले राधा जी के प्रकाश है, हैं? जब कृष्ण संतुष्ट हुए, कृष्ण वस्त्र हरण किए, और इनकी जो समर्पण भावना, स्त्रियों का मूल वस्तु क्या? बोले लज्जा, लज्जा ही उनका भूषण है, लेकिन इन लोगों ने कृष्ण के चरण में सारे लाज लज्जा अपमान कृष्ण के चरण में संपूर्ण उन लोगों ने दे दिया। कृष्ण इनके संपूर्ण शरणागत को देखकर प्रसन्न हो गए, बोले शरद पूर्णिमा में तुम लोगों को साथ में मैं रास करूँगा। इसलिए ता मतलब कहते भगवान जो उनको वरदान दिया था शरद पूर्णिमा में तुम लोगों को साथ में मैं रास करूँगा, भगवान ता रात्रि उसी रात्रि को स्मरण भगवान ने किए। भगवान विश्राम कर रहे थे, पूर्णिमा का चंद्रमा छिटक रहा था, हैं? इसलिए इतने भगवान एकदम रात बीच में जब उन्हें अपना खिड़की को खोले, इतने में उन्होंने चंद्रमा को उन्होंने दर्शन किया, लेकिन देखा तो उन्होंने चंद्रमा को, लेकिन उनको याद क्या आया? बोले राधा रानी के मुख चंद्रमा को इनकी स्मरण आया। मुख चंद्रमा को स्मरण करते हुए उन्होंने क्या किया? बोले ता रात्रि, ता मतलब क्या? दूसरा अर्थ कहते हैं जब कृष्ण रासलीला किए उसी समय में छह ऋतु है, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, बसंत, हैं? कहते ता रात्रि मतलब भगवान जब रासलीला किए उसी समय में जितने सारे रात्रि एक साथ में छह ऋतु कृष्ण की सेवा करने के लिए ये सब के सब वहां पर उपस्थित हो गए ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। बोले ता मतलब तीसरा अर्थ होता है रासलीला जब कृष्ण की पूर्ण जौवन ब्रज गोपियों की पूर्ण जौवन अवस्था में ही किशोरी अवस्था में ही रास हो सकता है, इसलिए उनकी उम्र को देख करके भगवान के हृदय में वो जागृत हुआ। इसलिए कहते भगवान, भगवान मतलब बोले भगवान अपि, ये जो अपि शब्द को पता नहीं कितने व्याख्या किया है, कभी आत्मा राम आप्त काम सर्व काम होते हुए भी ब्रज गोपियों की उन्होंने माधुर्य सौंदर्य प्रेम को देख करके भगवान ने क्या किया? भगवान अपि तारात्रि, बोले शरद उत्फुल्ल मल्लिका, कहते उसी समय में कहते जो शरद रात्रि में उन्होंने किया, इसलिए शरद जब महीना आती है एकदम उसी समय में पूरा पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है, ग्रीष्म वर्षा उसके बाद में शरद, वर्षा में क्या होता है सब जो पानी एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाता है, शरद आने पर पूरा पानी स्वच्छ हो जाता है, कमल फूल खिली जाती है, बेली चमेली जूही सारे खेतों की एक साथ में सारे सब पुष्प हैं, दूसरे दूसरे ऋतु का पुष्प कमल फूल खिलता है दिन में, वो भी रात में खिल गया। बोले क्यों? कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसलिए कहते भगवान अभी तारात्रि शरद पुर्ल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया, इसलिए उन्होंने बोले मनश्चक्रे यहाँ जो धातु का दो रूप, एक परस्मै पदी और एक है आत्मनिपदी है। कहते भगवान की जो दूसरे दूसरे जो लीला थी वो दूसरों के लिए, जैसे उन्होंने वराह अवतार लिया, हैं, मत्स्य अवतार लिया, कुर्म अवतार लिया,
नरसिंह का बता लिया। अब देखना इस सब के सब कुछ दूसरे के लिए, लेकिन उन्होंने जो रासलीला किया ना दूसरे के लिए नहीं, रासलीला केवल अपना लिए ही उन्होंने किया है। इसलिए उन्होंने हैं उन्होंने वो रात्रि को देख करके उन्होंने देखा कैसे पूर्ण चंद्रमा कैसे प्रकट हुई, कृष्ण कौन है बोले चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी, और चंद्रमा को उन्होंने क्या देखा पूर्व दिशा में उदय हुई। एक उदाहरण देते हैं, जैसे प्रिया हैं, प्रिया जैसे क्या करती हैं, जब पति अगर दूर देश में गए बड़े दिन को बाद में जो पति आता है ना, पति क्या करता है पत्नी को प्रसन्न करने के लिए हाथ में गुलाल लेता है, गुलाल लेकर पत्नी को मुंह में एकदम लगा देती है। ऐसे लग रहा था पूर्व दिशा में जो लाल रंग है चंद्रमा ने क्या किया, पूर्व दिशा रूपी दिशाओं को अपना हाथ से गुलाल लेकर के उनको मुंह में अच्छे तरह से उनको लगा दिया। इसलिए ये चंद्रमा को देख करके कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रवंशी ने किया कि उन्होंने क्या किया दूसरे के स्त्री को मुंह में जैसे उन्होंने गुलाल लगा दिया, कृष्ण कहते भैया मैं भी चंद्रवंशी हूँ, चंद्रवंशी होने पर फिर गोपियों के साथ में फिर मैं क्यों रास नहीं कर सकता हूँ। इसलिए भगवान बंसी भट्ट को नीचे आए और आ करके कृष्ण बड़े सुंदर जगौ कलो बाम दृशा मनोहरा, तो उन्होंने बंसी से उन्होंने कौन सा शब्द निकाले बोले जगौ कलो हैं, जगौ कलो का ल बाम दृशाई मनोहरा, मतलब चंद्र का अधिष्ठा देवता, मन के अधिष्ठा देवता चंद्रमा, मतलब उन्होंने जो शब्द उच्चारण किया ये क्लिंग शब्द उच्चारण किया। अब देखना जितने हम मंत्र उच्चारण करते हैं सबसे पहले ये क्लिंग शब्द आता है, इसमें पांच अक्षर है, कितना क ल ई चंद्र और बिंदु। कभी विश्व ब्रह्मांड कितने चीजों में बनी हुई है, पांच, खिति अब तेज मरुत ओम। इसलिए मानो ये क्लिंग शब्द में ये विश्व ब्रह्मांड है। का मतलब कृष्ण, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब इनका मिलन, चंद्र बिंदु मतलब इनका मिलन में जो दिव्य आनंद प्रकट होता है। इसलिए उन्होंने क्लिंग शब्द को उन्होंने उच्चारण की लोग, लेकिन वो शब्द ऐसे हैं राधा रानी सुन रही थी केवल बंसुरी से राधे 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 नाम आ रहे, और ललिता क्या सुन रही थी केवल वहाँ से ललिता ललिता, विशाखा क्या सुन रही थी केवल बंसुरी से विशाखा विशाखा। इसलिए उड़िया में कीर्तन है वृंदावन के बजाइला एका राधा राधा नम राईला, एका राधा राधा नम राईला, वृंदावन बंसे के बजाइला, वृंदावन बंसे के बजाइला। में ये एक बड़ा सुंदर कीर्तन है। अभी जब कृष्ण ये क्लिंग शब्द को उच्चारण किया, यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, उदाहरण ये देते हैं कभी जो चोर का जो सरदार होता है वो चोरी करने नहीं जाता है, वो एक जगह पर बैठता है, किसको भेजता है अपना चेले चापाटियों को, बोले जाओ जा करके घर घर से धन को लूट और लाट के क्या करो मेरे पास में जमा देना। इसलिए कृष्ण कौन है, ये चोर का सरदार, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम अनेक गोपांगना नाम च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगन्नम पुरुषम नमामि। इसलिए कृष्ण सबसे बड़े चोर है और वो बैठ करके उन्होंने अपना चेलों को भेज दिया, पर इनका चेले कौन है बोले इनका जो बंसी ध्वनि उन्होंने की, उन्होंने ये बंसी ध्वनि यही उनके चेले। अभी चेले लोग गए माल को लूटने के लिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा माल है बोले प्रेम रूपी धन, हाँ ये प्रेम रूपी धन, यही धन को चोरी करने के लिए गए। लेकिन जब चोरी करने के लिए गए ना, पास देखा दरवाजा खुला हुआ, बोले वाह बढ़िया दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला मतलब ब्रज गोपियों का जो कान रूपी दरवाजा खुला हुआ है, और ये कान रूपी दरवाजा में क्या किया बंसी ध्वनि प्रवेश की, प्रवेश कर गए कहाँ बोले गोपियों के हृदय में प्रवेश किया। जब हृदय में प्रवेश किया उनके हृदय में जो धैर्य लज्जा था, उन्होंने सबसे बड़े प्रेम कहाँ पर है प्रेम रूपी संपत्ति प्रेम बोले ब्रज गोपियों के हृदय में ही ये प्रेम है, सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। इसलिए कभी जो बंसी ध्वनि भी
कहते कृष्ण का बंसी ध्वनि दो तरह का है, कहते एक है सर्वभूत मनोहर और एक है गोपी भूत मनोहर। ये बंसी ध्वनि दो तरह का है, इसका तात्पर्य किया कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसी ध्वनि करते हैं सर्वभूत मनोहर, जिस बंसी ध्वनि को सब सुन सकते हैं, सब दुनिया सुन सकते हैं। लेकिन कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसी ध्वनि करते हैं गोपी भूत मनोहर, उसको गोपियों के सिवाय और कोई सुन नहीं सकते। लेकिन बंसी भट्ट को नीचे उन्होंने जो बंसुरी बजाए वो कौन सा बंसी है, कहते ये गोपी भूत मनोहर। अगर सर्वभूत मनोहर होता है ना पूरा ब्रज के ब्रज ही उमड़ करके आ जाते, लेकिन वो था गोपी भूत मनोहर। वो बंसी ध्वनि केवल श्री ब्रज गोपियों को कान में ही प्रवेश किया और किसी को कान में प्रवेश नहीं किया, और ये गए जाकर गोपियों के हृदय में प्रवेश किया। हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम रूपी जो धन संपत्ति को उनने पकड़े और ले करके भागे। जब ले करके भागे, अगर आपके घर में कोई घुसे जिंदगी भर का कमाया हुआ जो धन रत्न को पकड़े लूटे और भागे, फिर आप क्या करोगे, भैया हम लूट गए, हम तो लूट गए जिंदगी का पैसा, तो फिर आप उसको पीछे पीछे भागोगे, हैं पीछे पीछे भागोगे। इतने में जब उन्होंने हृदय को चोरी करके लाए, इतने में उनको पीछे पीछे भागे, भैया हम तो लूट गए। लेकिन जब भागे, अगर तुम्हारी घर का संपत्ति कोई चोर लूट कर ले जा रहे हैं, अगर उसको पीछे भागोगे ना फिर किसी दूसरे को नजर में नहीं, किसको देख नहीं पाओगे, क्योंकि सारे लूटे जा रहे हैं ना। इसलिए गोपियां जब आ रही थी घर से, हैं उन्होंने और किसी को प्रति उनको ध्यान नहीं था, हैं केवल कृष्ण की बंसुरी के प्रति ध्यान था। लेकिन जब निकले, कुछ गोपियां तो निकल गई लेकिन कुछ गोपियां नहीं निकल पाई। कहते निकली कौन, नहीं निकल निकल पाई कौन, बोले निकली वही है जिनकी भाव पूर्ण था, जिनके शरीर पति के शरीर से कोई संबंध नहीं था, हैं जो शरीर एकदम पवित्र था, इसलिए वो सबके सब निकल करके आ गए। लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं पाई, निकल नहीं कौन पाई, बोले जिनकी शरीर पति को शरीर में संबंध हो गया था, इसलिए जो शरीर अपवित्र हो गया और कृष्ण सेवा के लायक नहीं थी, इसलिए हैं उनको जो उनको पति और बच्चे लोग थे ना, बोले कहाँ जा रहे हो रात को, बीच में खबरदार घर से बाहर निकलोगे तो टांग तोड़ देंगे, निकल नहीं घर से, उनको उन्होंने रोक करके रख लिया। जब रोक करके रख लिया, इधर में क्या हुआ, वो तो इतने कृष्ण विरह में इतने व्यथित हो गए कृष्ण विरह में, बोले हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हे कृष्ण कन्हैया, आज हम लोग तुम्हारी ये दिव्य रास रूपी महोत्सव में हम सम्मिलित नहीं हो पाए। उन्हें हृदय से उन्होंने भगवान को पुकारे। जब भगवान को पुकारे, एक उदाहरण देते हैं, जैसे आम है, आम को पेड़ से हम क्या करते, एक साथ में जब आम पुष्ट हो जाता है हम उसको आम को उतार देते हैं, उतार कर क्या करते हैं घर में रेती को मैंने तो किसी गरीब चीज में रख देते हैं। गरीब में रखने पर क्या होता है, आम धीरे 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 पकने लगता है, हैं जब पकता है, जो पकता है उसको क्या करते हैं, उसको लेकर ठाकुर को भोग लगाते हैं, एक एक पकेगा और एक एक लेकर के ठाकुर जी को अमुनिया करके भोग लगाते हैं गर्मी में। उसी तरह जब गोपियों को रोग दिए उनके हृदय में कृष्ण विरह रूपी जो ताप में है, उनके अंदर में जो अशुभ था, जो अमंगल था, जो कमी थोड़ी सी थी वो दूर हो गया। जब दूर हो गया फिर क्या हुआ, शरीर को तो पति ने रख लिया, आत्मा को थोड़ी रख सकते हैं, ये आत्मा शरीर से ये ब्रज गोपियां किया कि सबके सब कृष्ण के महोत्सव में रास लीला में उपस्थित हो गए। जो उपस्थित हुए भगवान कहते हैं स्वागतम में महाभाग, तो भगवान उनको समर्थन करते हैं, स्वागतम तुम लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने महाभागा जितने भाग्यवान में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान तुम लोग हो, तुम लोग जैसे जगत में कोई भाग्यवान नहीं, क्योंकि तुम लोग ने सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आए। कृष्ण उनको स्वागत किया, लेकिन भगवान उनको साथ में थोड़ी सी हैं ठिठोली कर रहे थे, ठिठोली उनके प्रेम को, उनका प्रेम को दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी सी ठिठोली कर रहे थे। बोले अच्छा हुआ है तुम लोग आए हो, ये वृंदावन की शोभाओं को दर्शन करो,
और स्वभाव को दर्शन करते हुए तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का धर्म होता है, पति भले ही लंगड़े लुढ़े निकम्मा क्यों नहीं हो, पत्नी के लिए पति ही परमात्मा है, हैं? इसलिए तुम लोग क्या करो, तुम लोग अपना दर्शन वृंदावन की शोभा को दर्शन करो और घर में वापस चले जाओ। कृष्ण तरह तरह से बोले, ये घोर अंधकार रात्रि हैं और तुम लोग सुमध्यम बड़े सुंदरी हो हैं और तुम लोग एकदम पूर्ण जौवन संपन्ना, इसलिए इसी समय में ये घोर अंधकार बाघ झिंत्र जंतु से परिपूर्ण है, तुम लोग को नहीं रहनी चाहिए, तुम लोग अपना घर में वापस चले जाओ। तो कृष्ण बहुत तरह तरह से समझाए, इतने में कृष्ण ने कहा, एक कथा सुनाऊं, जो पतिव्रता स्त्री अपना पतिव्रता धर्म को जाजन करता है कितना कठिन, एक स्टोरी सुना। बोले सुनाओ, क्या सुनाओ? बोले एक समय दो पति पत्नी थे और घर में एक छोटा बच्चा था जो केवल घुटन पर चलना सीखा। एक दिन पति पत्नी की जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे और थोड़ी देरी पहले उन्होंने चूल्हे में पहले चूल्हे होता था, उन्होंने चूल्हे में क्या बनाया, उन्होंने रसोई बनाई, अभी आग धधक रही है। अब पति सो रहा था, पत्नी के जंघे के ऊपर सर रख करके बेटा का नींद भूल गई। इतने में वो बच्चा ने घुटन पर चलते चलते पूरा चूल्हे को साथ पास में चले गए, एकदम चूल्हे में गिरने वाले। इतने में पत्नी तो द्विविधा में पड़ गई, बोले मुझे क्या करनी चाहिए, अगर मैं बच्चे को रक्षा करने जाता हूँ, पति मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे हैं, पर पति को मेरे को जगाना पड़ेगा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरा कर्तव्य पहला कर्तव्य अपना पति सेवा करना, पत्नी के लिए पत्नी ही परमात्मा है। कहते अगर मैं बच्चे को नहीं बचाता हूँ, बोले बच्चा मर जाएगा, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए, बोले भले ही बच्चा मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं पति सेवा करूंगी, उनको मैं जगाऊंगी नहीं। वो देखते देखते बच्चा जाकर सीधा चूल्हे में गिर पड़ा। इतने में उसका मन में तो धड़कन शुरू हो गई हैं। थोड़ी देर बाद में पति का आँख खुली, बोले लाला कहाँ है, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंघे के ऊपर में सर रख करके सो रहे थे, आपका नींद खराब होता, अरे चलो देखते हैं जा करके। और वहाँ जा करके देखा एकदम जलते हुए आग को अंदर में बच्चा किलकर माल कर खेल रहा है, और उन्होंने बच्चे को उठा करके ले आए हैं, बच्चे को उठा करके ले आए कर देखा। बोले क्यों? बोले इसकी पतिव्रता धर्म में इतने शक्ति है, जहां पर अग्नि भी अपना तेज को शांत कर देती है, पतिव्रता धर्म में इतना शक्ति, इसलिए तुम पतिव्रता स्त्री हो। गोपियों ने कहा हम भी एक स्टोरी सुनाएंगे। बोले सुना, क्या सुना? बोले एक समय एक पति कहीं दूर देश में गया, पत्नी को बोला मैं कुछ दिन में मैं आऊँगा। बोले तुम जाओगे तो मैं तो जो श्रृंगार करती हूँ किसके लिए, तुम्हारे लिए तो श्रृंगार करती हूँ, ये जो बिस्तरा सजाती हूँ किसके लिए, तुम्हारे लिए। कहते भोजन क्यों बनाती, बोले तुम्हारे लिए, जो कुछ पतिव्रता स्त्री जो कुछ करती है किसके लिए करती है, पति की खुश के लिए करती है। बोले तुम चले जाओगे तो मैं किसके लिए करूँगा, बोले मेरे को तो किसी जरूरी काम में जाना पड़ेगा। बोले मैं क्या करूँगी, बोले मैं अपना फोटो दे देता हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँगी ना तब तक ये फटो को पूजा करते रहना। अभी वो फटो को पूजा कर रही थी हैं, ये फटो को पूजा कर रही थी। इतने में जब पति आया, वो घर दरवाज़ा बंद करके अंदर में पूजा कर रही थी, जब उसने पति आया उन्हें दरवाज़ा खटखटाया, जब उन्हें दरवाज़ा खटखटाया तब वो कहती हैं हैं गोपी, ये गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर ये बताओ अभी ये पत्नी को क्या करनी चाहिए। बोले भैया जब असली पति आ गया ये फटो क्यों पूजा कर रहे हो, फिर असली पति को स्वागत करना। बोले आपका आंसर मिल गया हैं, आपका आंसर मिल गया कि नहीं? कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुस्स सखा तुमेव, तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम। आप ही तो जगतपति जगन्नाथ, आप ही तो गीता में आदेश दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, आप ही तो गीता में बोले मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु, हे अर्जुन सब कुछ मेरे लिए किए हैं, आप ही तो बोले ना। फिर आप इतने जो सुंदर सुंदर हमें उपदेश दिए, आप कौन हो? बोले कृष्णंग बंदे जगत गुरु, आप जगत गुरु हो। शास्त्र क्या कहता है, प्रथमंत गुरुं पूज्यं ततश्चैव
ममार्चनम। सबसे पहले गुरु जी की पूजा, उसके बाद में भगवान की पूजा। हम तो जगतपति जगन्नाथ जगत गुरु हो, आपकी सेवा पहले करनी चाहिए। जब गोपियों ने एकदम बढ़िया आंसर दे दिया ना, बस भगवान तो खुश हो गए। खुश होकर भगवान हार गए। फिर भगवान ने क्या किया, ब्रज गोपियों के साथ में एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, उन्होंने वहाँ पर बड़ी सुंदर रासलीला की। जिस रासलीला में कहते स्वयं शंकर भी, जिस रास को दर्शन करने के लिए कोई शंकर जी आए थे, लेकिन उस समय ब्रज गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत हुआ। सौभाग्य मत मतलब है कहते ये राधा रानी की जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम तो पूर्ण हैं। क्यों, वो देख रहे थे केवल कृष्ण हमारे पास में, लेकिन केवल राधा रानी देख रहे थे कृष्ण सबके पास में, कृष्ण हमारे पास में भी है। इतने में कृष्ण राधा रानी की मान करके, राधा रानी जब रास छोड़ दी, इतने में कृष्ण गोपियों की सौभाग्य मत दूर करने के लिए, राधा रानी को मान को मनाने के लिए कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। और उन्होंने राधा रानी को उन्होंने लेकर के एक श्यामा सखी रूप धारण किया कुंज में, बोले दो दो बनकर के चलो ढूंढने जाएंगे, और राधा रानी को पकड़े कुंज में ले गए। और कृष्ण बड़े सुंदर उनका श्रृंगार की, श्रृंगार करके यहाँ पर ब्रज गोपियाँ हाँ कृष्ण बोलकर ढूंढ रहे थे, लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, लेकिन जब कहीं नहीं मिले पृथ्वी को पूछे, बोले पृथ्वी तू सर्वत्र विद्यमान, तेरे को तो पता होगा। हठात उन्होंने कृष्ण चरण देखे, बोले तो कृष्ण का चरण है, लेकिन जब थोड़ी दूर गए फिर बीच में एक छोटी सी चरण देखे, लेकिन वहाँ तीन तरह का गोपियाँ थी, तटस्थ विपक्ष स्वपक्ष। इसलिए जो स्वपक्ष गोपियाँ हैं, जो राधा रानी के पक्ष वाले, राधा जी के चरण की जो सेवा करने वाले, राधा रानी के चरण को देखकर पहचान गए, बोले देखो यही गोपी ही सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण की सेवा की, इसलिए कृष्ण सबको छोड़कर इसको अकेले लेकर गए। बोले वो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी की। लेकिन थोड़ी दूर गई तो फिर वो चरण अंतर ध्यान, बोले ये क्या, एक बोले तेरे को पता नहीं चल रहा है, ये तो और हृदय व्यथा देने वाले। बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण थोड़ा दबा हुआ, पर जब कृष्ण उनको गोद में लेकर गए, ऐसे करते करते जब जा रहे थे कृष्ण उनको श्रृंगार बट में उनको श्रृंगार कर रहे थे, इतने में इनके हैहोल्ला सुन करके इतने में बोले राधे चलो यहाँ से और कहीं चले जाते हैं, नहीं तो ये फिर मान करके बैठेगी हैं, मैं अकेला ले आओ फिर महाराज नहीं हो सकता है। राधा रानी ने सोचा मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया, मेरी कायम भी है ये गोपियाँ, मैं जैसे सब कुछ छोड़ करके आई ये लोग भी सब छोड़ करके आए, मैं कृष्ण को अकेले ला करके आनंद ले रहा हूँ, और ये सबके सब कृष्ण विरह में रो रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा मानी नहीं हो जाए ना, कृष्ण मेरे को ज़्यादा मनाए, फिर वो मिल जाएंगे, फिर हम एक साथ में रास करेंगे। इसलिए राधा रानी थोड़ी मान कर ये कर ली, मैं चल नहीं सकती हूँ, जैसे मेरे को उठा करके लाए थे मेरे को उठा करके ले जाओ, लेकिन मेरे कंधे पर बैठ कर चल ले चलो बास बैठने के लिए, तो वहीं कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। फिर गोपियाँ राधा रानी को मिले, फिर उन्होंने जमुना किनारे में बैठ करके उन्होंने गोपी गीत उन्होंने गाए, और जिस गोपी गीत में भगवान संतुष्ट होकर के ब्रज गोपियों के बीच में प्रकट होते हैं, फिर उसको बाद में फिर उन्होंने ये महारास करते हैं, और महारास में स्वयं शंकर भी जहाँ पर श्री गोपीश्वर महादेव बन करके भगवान का रास को दर्शन करने के लिए आते हैं। बोले श्री रास बिहारी भगवान की, बोले श्री गोपीश्वर महादेव की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। अभी हमारे श्री बदन महाराज जी आपको कुछ सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे। श्री बदन महाराज जा 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 भाई। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। परम आराध्यतम निरुपाधिक करुणावारिधि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्त भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षड गोस्वामी पाद रसिक आचार्य ब्रज महामोपाध्यक्ष विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद पूज्यपाद भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज जी अन्यान्य वैष्णव वृंद भक्त वृंद सबके चरण में अधम का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। श्रीमद् भागवत में अभी अभी हम लोग सुन रहे थे, भगवान कृष्ण ने रास नृत्य किया, सारी गोपियों की मन कामना पूर्ण की, राधारणी की महिमा को वर्धित करने के लिए स्वतंत्र रूप से राधारणी को अन्वेषण करने के लिए चले गए। ये सब के बाद नारद जी ने कंस के पास पहुँचे, क्योंकि उन्होंने सोचा तो भगवान वृंदावन लीला में मग्न हो गए, निमज्जित हो गए, तो ये अभी कैसे होगा, बहुत सारी लीला भगवान को करना है, असुर मारण आदि द्वारिका लीला। तो भगवान को कंस के पास बुलाने के लिए और असुर वध करने के लिए लीला को आगे बढ़ाने के लिए कंस के पास पहुँचे, कंस को प्रवर्तित किए और कंस ने अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी ने सौभाग्य मानने लगे कि आज तक उन्होंने बताया, कंस तुम अपना काल को बुला रहे हो, सर्प को रस्सी समझ करके गोद में लेना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विपत्ति लाएगी। लेकिन कंस सोचने लगा कि हमारे लिए विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति है, अकला कोई राक्षस जाने से तो मार देता है, लेकिन उनको बुलाए कपटता के साथ और रंग सभा में सब लोग मिल करके उनको मारेंगे। तो कृष्ण के पास अक्रूर को भेजा, अक्रूर ने ब्रजवासियों के पास जाकर के पहुँचे, लेकिन कृष्ण को जब लाने के लिए प्रस्ताव दिया, सारी गोपियाँ सारे ब्रज कृष्ण के विरह में तड़पने लगे। लेकिन क्या करे, कृष्ण ने सबको समझाए कि मैं जा रहा हूँ रंग सभा में राज धनुजात्रा महोत्सव देख करके मैं वापस आ जाऊँगा। सखियाँ गोपी को सबको सांत्वना देने लगे और दे करके आ गए। और जब मथुरा आए, मथुरा में बड़ी सुंदर सुंदर लीला किए, ठाकुर जी को बड़ाए, पीड़ों को मार डाले और चाणो और मुष्टिक बड़े बड़े दिग्गज मल्लों के साथ लड़ाई करने लगे। ये लोग को जोर से अपने आप ही पकड़ लिए, बोले हम तो बालक है, आप लोगों के साथ हम क्या लड़ेंगे। बोले तुम बालक हो, झूठ बोल रहे हो, इतना सारे असुर को तुमने मार डाला और तुम बालक हो, तो जबरदस्ती बोले तुम्हारे हम तुम्हारे साथ मल्ल युद्ध करेंगे। और कृष्ण बलराम को जबरदस्ती खींच लिए और कृष्ण ने फिर चाणूर को बड़ी और बलराम ने मुष्टि को बड़ी जोर से युद्ध हुआ और रंग सभा में मल्ल युद्ध हुआ, उसमें चाणूर मुष्टि के मर गए। और कृष्ण ने दौड़ करके जा करके कंस को पकड़ लिए और कंस को अपने कंस को मार डाले। तो उसके बाद जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद कृष्ण ने मथुरा छोड़ करके विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी बैठाए और वहाँ पर सारी मथुरा नगरी मथुरा वासियों को लेकर के पहुँचे। उग्रसेन वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर द्वारिका में भी लीला हुआ। लेकिन अभी कृष्ण की ये जितने सारी लीला है, जैसा सुदाम चरित्र में आता है और बाकी अनेक अनेक द्वारिका में, फिर भगवान पहले रुक्मिणी देवी को विवाह किए, फिर सत्यभामा को, और केवल इतना ही नहीं, नारकासुर की जो बद्ध करने के बाद 16,000 रानियाँ को उद्धार किए। लेकिन ये लोग बोले कृष्ण हम अभी कहाँ जाएंगे आपके अलावा। तो कृष्ण की ये बहुत बड़ी कृपा है,
उनको ला करके रानियों को दासी के रूप में रखा नहीं, पत्नी के रूप में रखा। भगवान की बड़ी सुंदर कृपा है। तो सब द्वारिका में, लेकिन अभी ये प्रश्न आता है, भगवान की द्वारिका में जो रानियों ने कृष्ण को प्रेम किया और ब्रज में गोपांगनाएं जो प्रेम किए, ये दोनों में क्या अंतर है? बड़ी अद्भुत लीला है, अद्भुत रहस्य है उसके पीछे कि सचमुच कृष्ण अवश्य द्वारिकावासी कृष्ण को प्रेम किए, ब्रजवासी भी कृष्ण को प्रेम किए, लेकिन कृष्ण द्वारिकावासियों की प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रेम के द्वारा वशीभूत नहीं है। केवल द्वारिका ब्रजवासियों की प्रेम में कृष्ण जिस प्रकार वशीभूत है, वशीभूत मतलब क्या है, कृष्ण अपना ऐश्वर्य शक्ति भगवत्ता अपना सब कुछ भूल करके कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम में नाचते उठते बैठते, प्रेम के द्वारा कृष्ण ब्रज प्रेम के द्वारा वशीभूत है। उसके कारण द्वारिका में रहने के समय में भी ब्रजवासियों की बड़ी स्मरण करते थे, हे राधे हे ललिते हे विशाखे, विलाप करते थे। तो इसलिए आज काल भी ये रथ यात्रा तिथि में, काल जो तिथि आ रहे इसका नाम क्या है, हेरा पंचमी। यद्यपि रथ यात्रा में अनेक अनेक प्रकार की जगन्नाथ की बहुत सारी लीला होती है, जैसा रथ यात्रा में पहुंडी विजय होता है, जगन्नाथ महाप्रभु के आद्य सेवक गजपति महाराज आते छेरा पहरा होती है, और ठाकुर जी फिर रथ टना रथ खींचना होता है, और गुंडीचा मंदिर में आते हैं ठाकुर जी पहुँचते गुंडीचा मंदिर में दर्शन देते हैं, नीलाद्रो सहस्राणी आड़प मंडप दिने, नीलाद्री मंडप में यानी जगन्नाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने से, एक वर्ष पूरा दर्शन करने से जितना फल मिलता है, आड़प मंडप यानी सुंदराचल वृंदावन में गुंडीचा मंदिर में एक दिन दर्शन का उतना फल है, और उसमें नवमी दर्शन बड़े प्रमुख है, और उसके बाद फिर ठाकुर जी वापस आते हैं, बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है, और उसमें एकादशी के दिन पर सुवर्ण वेश धारण करते जब सुंदर द्वारिका में प्रवेश करते हैं, तो द्वारिका वासियों के पास और क्या है, केवल आय अलंकार भूषण सुवर्ण आदि तो है ही, वृंदावन में तो कृष्ण पुष्प अलंकार परिधान करते हैं, मिट्टी अगुर के द्वारा श्रृंगार करते हैं, लेकिन द्वारिका में कृष्ण पादुका पहनते हैं, वृंदावन में पादुका नहीं पहनते, खाली पैर में चलते हैं, प्राविशत गीत कीर्ति, और लेकिन द्वारिका में पादुका पहनते हैं, सुवर्ण की बहुत सारे अलंकार परिधान करते हैं, इसलिए एकादशी पर द्वारिका में प्रवेश मात्रे ही वो सुवर्ण वेश परिधान करते हैं। ये अद्भुत अद्भुत फेरे क्या जो अंदर प्रवेश, नीलाद्री महोदय नीलाद्री विजय करते हैं, ठाकुर जी नीलाद्री में प्रवेश करते हैं, ये रथ यात्रा है। लेकिन इतने सारी उत्सव होती है, इतने सारी उत्सव में बड़ी अद्भुत उत्सव है ये हेरा पंचमी, जो चैतन्य महाप्रभु की बड़ी आदरणीय उत्सव। इसी हेरा पंचमी में चैतन्य महाप्रभु उसका रहस्य बड़ी उन्मोचन किए। हेरा पंचमी मतलब क्या है, ये रथ यात्रा के बाद जो पंचमी तिथि आता है यानी आषाढ़ महीना की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हेरा पंचमी कहा जाता है। हेरा मतलब लक्ष्मी देवी, चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी देवी जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ जी का अदर्शन से जगन्नाथ को अन्वेषण करने के लिए निकलते हैं, और वृंदावन गुंडीचा मंदिर में प्राप्त होते हैं, और उनको देख करके दर्शन करके वापस आते हैं। हेरिया इसी पंचमी तिथि में लक्ष्मी देवी का जगन्नाथ जी के साथ दर्शन हुआ, इसलिए उसका नाम हेरा पंचमी है। इसलिए आज ठाकुर जी हमारे इधर भी भक्त लोगों ने बड़े श्रृंगार ड्रेस की व्यवस्था किए, भव्य सुंदर दर्शन भी है और श्रृंगार भी बड़े सुंदर है हमारे भक्त लोग के। यूरोप के श्यामा प्रिया देवी, हाँ यूरोप के श्यामा प्रिया दीदी और प्रेममय दीदी प्रेमवती प्रेमवती ये श्रीमद् भागवत कथा में, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, हाँ इन्होंने श्री श्यामा प्रिया देवी और श्री इनकी पूर्वजों का आत्मा को शांति मिले
इनको भगवत गति मिले और इनको संसार में शांति सुख हो, इसी उपलक्ष्य में इन्होंने ये जो श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने करवाया। और ये जो ड्रेस है ठाकुर जी की, इन्होंने ही ये ड्रेस तो उन्होंने प्रदान की है जगन्नाथ जी की, इसलिए हेरा पंचमी दादी। और विशेष करके ये श्रीमद् जो भागवत कथा है किस समय कहाँ पर, श्री जगन्नाथपुरी जहाँ श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर 18 साल तक रहे, जगन्नाथ जी का धाम, श्री क्षेत्र श्री मतलब श्री राधा रानी का क्षेत्र शंख क्षेत्र, नीलाद्रि बिहारी नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और जहाँ पर हमारे गुरुदेव ये अंतिम उन्होंने लीला आविष्कार किया, और जगन्नाथ जी समुद्र में बहते बहते यहीं पर ही सबसे पहले यहीं पर ही लगे, राजा उनको यहीं से ले करके और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मूर्ति को प्रकाशित किया, और यहीं पर ये श्रीमद् भागवत कथा होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं गुरु वैष्णव से ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ इनका पूर्वजों को शांति सुख मिले, और जिस वंश में एक वैष्णव जन्म हो जाए उनका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं, और जिस वंश में हमारी श्यामा प्रिया दीदी और श्री प्रेमवती दीदी ये वैष्णव है और भक्ति करने वाले जिस वंश में जन्म हुए, जरूर इनका पूर्वजों का बहुत कोई पूर्व जन्म का संस्कार पुण्य था, सुकृत थी, तभी इन्हीं वंश में इन्होंने जन्म हुए, और ये श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने प्रदान किया पूर्वजों की शांति के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ इनको शांति सुख मिले, और इनकी भक्ति भी धीरे धीरे ठाकुर के चरण में इनकी भक्ति धीरे धीरे बढ़ते रहे। बोले जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय, श्री हेरा पंचमी की जय। अरे ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए, क्योंकि जब से गुरुदेव यहाँ पर मंदिर प्रतिष्ठा किए तब से इस प्रकार वैष्णव के द्वारा भागवत कथा के महोत्सव नहीं हुआ था, वो पहला बार है। और ये लॉकडाउन हुआ और हमारे भाग्य तो खुल गया, लॉकडाउन नहीं हमारे लिए तो लक अप हो गया। तो जैसे भी हो ठाकुर जी के लिए खुद ड्रेस तो अच्छा अच्छा पहनते हैं, लेकिन जिन्होंने ठाकुर जी के लिए क्या पहनेंगे इसके लिए सोचते हैं तो उनकी बहुत बड़ी मंगल होती है। ठाकुर जी उनके लिए तो अपना को अपना ड्रेस जो व्यवस्था करते हैं ठाकुर जी उनके लिए ड्रेस हरदम बहुत सुंदर सुंदर है। कहते एक धागा जो भगवान की सेवा में एक धागा देता है और उतना एक वस्त्र में जितने धागा होता है उतना कल्प तक उनका पूर्वज भगवत धाम में वास करते हैं, कपड़ा जितने धागा होता है। महाराज जी कहते हैं शास्त्र में ऐसा है कि ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई अगर एक धागा देते हैं तो कल्प कल्प तक भी उसी कपड़ा में जितना धागा है सब लोग वैकुंठ वास करते हैं। और कल्प तक क्या, मैं तो सोचता हूँ जदगत्वा निवर्तन दे, एक बार वहाँ जाएंगे तो लौटेंगे ही नहीं। तो बहुत अच्छा है। हाँ, हम इसलिए चर्चा कर रहे थे हेरा पंचमी। हेरा पंचमी मतलब लक्ष्मी शांताणी, जिनके ऊपर कभी सूरज का किरण और चंद्रमा की किरण प्रवेश दर्शन नहीं हुआ था, आज ऐसे लक्ष्मी देवी वैकुंठ की पाट रानी नारायण की पत्नी लक्ष्मी देवी स्वयं बाहर आ गए और वृंदावन के प्रति लोभी होकर के वृंदावन में दर्शन करने के लिए वृंदावन लीला में प्रवेश करने के लिए लोभी होकर के वृंदावन में पहुंच गए। इसलिए हेरिया मतलब देखना दर्शन करना, इसलिए अन्वेषण करते हुए जब सुंदराचल में वृंदावन में दर्शन किए इसलिए उनका नाम इसी तिथि का नाम हेरा पंचमी। और दूसरा उसको कोई कोई आचार्य भी होरा पंचमी कहते हैं, जैसा हमारे कृष्ण कवि कर्णपुरा ने अपना चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कहते हैं होरा पंचमी महोत्सव, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं लक्ष्मी विजय महोत्सव। होरा का अर्थ है गमन करना चलना, तो ऐसे लक्ष्मी शांतनी जो अंदर रहते थे आज बड़दांड होकर के गमन करेंगे विजय करेंगे, इसलिए उसका नाम है होरा महोत्सव। आएंगे बड़ी थाट वाट में आडंबर के साथ, छत्री त्रास मसाल के साथ आएंगे, दास दासियों के साथ सेवक के साथ विजय करेंगे,
लेकिन गरुड़ स्तंभ तक तो जाएंगे, कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा लेकिन आरती भी होगी, और ठाकुर जी विरह वेदना को प्रशमित करने के लिए पति महापत्र सेवक उनके दही पट्टी कपड़ा को दही मतलब विरह वेदना को शांत करने के लिए आकर के उनको अर्पण करेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी साथ में नहीं आएंगे। तो इसलिए लक्ष्मी शांतानी जाएंगे जिस द्वार पे, उसी द्वार पे लौटेंगे नहीं। कौन सा द्वार पे लौटेंगे? जो नागचणा, नागचणा द्वार देके लौटेंगे। और क्रोधवशत उसी गाड़ी में आए थे, मतलब जिस रथ में जाए थे, नंदीघोष रथ को आज तोड़ करके कल लक्ष्मी शांतानी बड़दांड पर ले नहीं आएंगे, लज्जित हो जाएंगे। जाए थे सफल बनने के लिए, कृष्ण के साथ मिलन होगा, रास नृत्य करेंगे, हुआ ही नहीं। लज्जित हो करके हेरा गौरी शाही दे करके दास दासी सबको छोड़ करके छिप करके वो लज्जित हो करके आ जाएंगे, मंदिर प्रवेश करेंगे हेरा गौरी शाही दे करके। इसलिए आज लेकिन ये जो लीला होती है हेरा पंचमी, उसका जो वास्तव रहस्य है चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बड़ी सुंदर से प्रकाश किए। हेरा पंचमी के तिथि पर जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, स्वरूप दामोदर प्रभु को पूछने लगे कि महाप्रभु कहते थे ये द्वारिका है नीलाचल धाम, और सुंदराचल जो गुंडीचा मंदिर क्या है वृंदावन धाम, द्वारिकावासी और ब्रजवासी प्रेम में क्या अंतर है उसको प्रतिपादन करना ही हेरा पंचमी महोत्सव का परिचायक तिथि है। इसी तिथि में सूचित होता है ब्रजवासी और द्वारिकावासी में क्या सेवा में क्या प्रेम में क्या अंतर है सचमुच। इसलिए प्रश्न करते चैतन्य महाप्रभु कि तुम्हार जगन्नाथ द्वारिका में यहाँ पर हर समय कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं, वर्ष तमाम रहते लेकिन साल में एक बार हयो एक बार वृंदावन गमने तार उत्कंठ अपार, वृंदावन को एक बार साल में जाने के लिए उत्कंठा क्यों बढ़ता है। स्वरूप दामोदर प्रभु के साथ बातचीत करते हुए हमारे गुरुपाद पद्म उसको बड़ी सुंदर व्याख्या किए जो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की ग्रंथ में गुरुदेव कहते हैं द्वारिकावासी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो विवाह के प्रति आधारित है, सामाजिक संबंध को आधारित है, लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम है ये स्वभाव सिद्ध है, जन्म जात है। ब्रजवासी द्वारिकावासियों की एक एक ब्रज लीला में द्वारिकावासियों का तो प्रवेश ही नहीं है। 16 यद्यपि कृष्ण के 16108 रानियां है, उसमें पाठ रानी 8 हैं, रुक्मिणी सत्यभामा नग्नजिति लक्ष्मणा मित्रविंदा मित्रविंदा और कौन तुंगविद्या वो तो वृंदावन। तो ये 8 पाटरानी है लेकिन 8 पाटरानियों का भी प्रवेश नहीं होता और 16100 रानी का तो बात प्रश्न क्या उठता, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए उन लोगों का योग्यता है ही नहीं। और उन लोगों का जो प्रेम है उन लोगों का एक एक रानी का 10-10 पुत्र है, एक एक कन्या है, इसलिए उन लोगों का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो पुत्र कन्या प्रकट पैदा होने के बाद उन लोगों के प्रति प्रेम बट गया तो प्रेम खंडित तो हो गया, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम अखंड है। क्योंकि ब्रजवासियों ने जब गोपियों ने कोई दूसरे गोप के साथ विवाह करते हैं तो उन लोगों का जो प्रेम है उन लोगों का प्रेम वो लोग पर वधु हो जाते हैं और कृष्ण स्वयं बनते पर पुरुष। और मिलन द्वारिका में मिलन जब चाहे तब मिलन कृष्ण के साथ संभव है, और जहाँ प्रेम का दो पक्ष है एक विरह और एक मिलन, वो विरह ही मिलन को पोषण करते हैं। ना बिना विप्रलम्भे न संभोगम पुष्णिम अश्नुते, बिना विप्रलम्भ के द्वारा संभोग पुष्टि नहीं होता, इसलिए विरह के द्वारा ही मिलन की आनंद में नवीनता आती है। अगर विरह न हो तो केवल मिलन में मिलन की नवीनता प्रकट नहीं होता, इसलिए प्रेम में विरह की बहुत बड़ी आवश्यक है। ब्रज में द्वारिका में विरह होता ही नहीं और ब्रज में मिलन महामुश्किल। गोपियों ने सास ससुर
सामाजिक व्यवस्था परिस्थिति को मिटा करके त्याग करके स्वजन आर्य पथम च हित्वा स्वजन और आर्य पथ को त्याग करके कृष्ण के साथ बहाना बना बना करके मिलन मिलते थे। और कृष्ण भी नंद बाबा जसोदा माँ अपना सखाओं से छिप छिप करके जा करके गोपियों के साथ मिलते थे। इसमें मिलन में बड़े आनंद है, तीव्रता प्रचुर होती है, उत्कंठा होती है मिलन के लिए, लेकिन ब्रज में द्वारिका में नहीं। इसलिए जो ब्रज का प्रेम है ये अखंड है, अहेतुक है और उसमें नव नवायमान में प्रत्यमान होती है। इसलिए ब्रजवासियों का जो प्रेम है कृष्ण उसमें पूर्ण वशीभूत है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि बंसी करात निपतित स्खलितम श्रीखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनु जस्या कटाख्य सराघात विमूर्छितस्य तंगराधिका तरण रेणु अनुश्रयामी। कि इसलिए आज जो ब्रज में जो प्रेम है उसी प्रेम की महिमा को देख करके कृष्ण की रासलीला को देख करके लक्ष्मी शांतनी जमुना के किनारे बेलवन में 1000 साल तक तपस्या करते हैं कि हम कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करेंगे। ब्रज की रासलीला में प्रवेश करना इतना आसान बात नहीं है। जहाँ ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं है, शंकर जी प्रवेश तो कर गए जोगमाया के कृपा से, लेकिन अंश ग्रहण अंशीदार बन नहीं पाए, द्वारपाल बनना पड़ा, भगवान ने बचाया उनको। और संग लक्ष्मी शांतनी प्रवेश करने के लिए तपस्या किए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, बोले देवी क्या चाहिए आपको, ना आपकी रासलीला में हमारे प्रवेश चाहिए। कृष्ण बोले देखो आपके अंदर नारायण की पति नारायण को पति रूप में आपने ग्रहण किया, ब्राह्मणी अभिमान है और आपको ब्रज में रासलीला में प्रवेश करने के लिए गोप गृह में जन्म लेना पड़ेगा, गोप देह धारण करना पड़ेगा, गोप अभिमान लाना पड़ेगा। ये ब्राह्मणी अभिमान को त्याग करके नारायण के पति के रूप में त्याग करके जब इसको स्वीकार करेंगे तब आप ये रासलीला में प्रवेश करेंगे। लक्ष्मी बोले हम तो ब्राह्मणी अभिमान को त्याग कर सकते, लक्ष्मी को पति के रूप में त्याग नारायण को पति के रूप में मैं त्याग नहीं कर सकता, अपना सतीत्व को छोड़ नहीं सकता। तो कृष्ण बोले तो फिर आपको तपस्या करते रहिए लेकिन ब्रज में रास में प्रवेश संभव नहीं है। तो यही है इस हेरा पंचमी की तात्पर्य कि लक्ष्मी वृंदावन में आते हैं और लोभी हो करके कृष्ण की अद्भुत लीला को देख करके प्रवेश करना चाहते हैं। कृष्ण की नव नवायमान रूप माधुरी लीला माधुरी वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी के प्रति लोभी तो हो जाते हैं और उसके लिए तपस्या भी करते, वृंदावन भी पहुँचते, लेकिन आने पर भी वृंदावन के रास लीला में उनके प्रवेश नहीं हो पाता, इसलिए लज्जित होकर के वापस जाते। वही हेरा पंचमी की यानी ब्रज की वृंदावन की महिमा परिचायक ये तिथि है हेरा पंचमी। तो ये भागवत कथा में इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर कथा श्रवण के बाद परीक्षित महाराज जी जीवन मुक्त महात्मा बन गए और सारी लीला को श्रवण करते हुए देहाध्यास चला गया, देहात्म बुद्धि चला गया। अभी फिर इस अंतिम पर्याय में भगवान उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ गमन किए और फिर सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत की द्वादश स्कंद को समाप्त करते हुए नाम संकीर्तन को महिमा को श्रवण कराते हैं। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणम दुख शमनम तम नमामि हरि परम। रासलीला में प्रवेश करने के लिए जो भागवत की प्रतिपाद्य विषय है एकमात्र चाहिए हरिनाम संकीर्तन। कि नाम संकीर्तन कोई करे, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम लगन, उनके द्वारा नाम संकीर्तन श्रवण करने से सर्व पाप प्रणाशनम सारी पाप उनको प्रणाशन हो जाते हैं जीव का। प्रणाशन मतलब क्या है, प्रवृत्ति पूर्वक नाशनम प्रणाशनम, पाप करने का जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणाम दुख समन तम नमामि हरि परम। और प्रणाम करने से वही उनके लिए बहुत कुछ, अगर कोई कुछ भी ना कर सके तो कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, भागवत को प्रणाम करना चाहिए, और भागवत को प्रणाम करे, हरि नाम संकीर्तन करे, पारमार्थिक जीवन तो सफल निश्चित है। यही भागवत की तात्पर्य है। तो हमारे बड़ी कृपा किए महाराज जी ने और सब भक्त लोगों ने, हलांड के जो भक्त लोग यहाँ पर भागवत किए, और ठाकुर जी भी कथा श्रवण किए, चाहे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, और ये लाइव के द्वारा भी जितना लोग सुन रहे हैं, लेकिन होने पर भी इसमें बड़ी आनंद भी आया और कथा श्रवण हुआ, हमारे सब भक्त लोग भी बड़ा प्रसन्न हुए, और महाप्रभु ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, हंस रहे हैं ठाकुर जी कथा, अपना कथा खुद श्रवण करते हुए। तो सब लोग को बहुत बहुत, हम तो गुरु वैष्णव के पास, ठाकुर जी के पास प्रार्थना करते, जो लोग इस प्रकार व्यवस्था किए, उनका पितृलोक, सब लोग अपना अपना जो वैकुंठ धाम में गोलोक, भगवान उन लोगों की मंगल करे, सदगति प्राप्ति हो उन लोगों का जीवात्मा की। ये पारमार्थिक विद्या है, ऐसा नहीं कि हम देख नहीं पाते, लेकिन जिनके उद्देश्य से होती है उनको प्राप्त होता ही होता है। तो लोगों को बहुत अच्छा सदगति होगा, पितृपुरुष दोष सुधर जाएगा, और बाकी सब लोग को बड़ी आदर के मैं तो आह्वान करता हूँ, सब भक्तों लोग बीच बीच में ऐसा भागवत कथा पूरी जगन्नाथपुरी धाम में करना चाहिए, अरेंजमेंट करना चाहिए। दिन बाद में और एक भागवत कथा। अच्छा, तब तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, और कुछ दिन के बाद फिर एक भागवत कथा होगी, अच्छा है। और जीवन में वही ही है कि वास मच्चंता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंति समाम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, उसमें ही रमण करना, उसमें ही संतुष्ट होना। हम जगन्नाथ का प्रसाद भी अर्पण करेंगे, उनको जगन्नाथ का प्रसाद पाने से सब दोष मुक्त हो जाते हैं। और काल महाराज जी, अच्छा वो कर चुके हैं। हाँ, एक दिन में महाराज जी कहते हैं ये जो व्यवस्थाओं, व्यवस्थापकों के द्वारा जो कुछ व्यवस्था किया गया, एक दिन उन पूर्वजों के लिए जगन्नाथ जी की महाप्रसाद की व्यवस्था होगी, और सबको महाप्रसाद, इसी महाप्रसाद के द्वारा सब लोग की, अच्छा पितृलोक की आत्मा शांति होगी, सदगति प्राप्त होगा, और महाप्रसाद सब वैष्णव के लिए होगा, और बड़ी आनंद की बात है। सब लोग को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, और ठाकुर जी के पास प्रार्थना है, गुरुवर्ग के पास ये लोग कृपा करें, सब लोग का मंगल हो, पारमार्थिक जीवन सफल हो। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे ही 8 बजे से लेकर 8:30 बजे कल से, जैसे शाम रात को कथा होती थी, महाराज जी भागवत चैतन्य भागवत पाठ करते थे, महाप्रभु की लीला, तो काल से उसी प्रकार कथा होगी, रात को 8 बजे से 8:30 बजे तक इंडियन टाइम के अनुसार, और आप लोग अपना अपना टाइम देख लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय भानो दुलारी राधा प्यारी गोविंद जय जय गोपाल
Oh,
Oh,
Thank you.